चलेंगे खरिया, ठीक है। इसका मूल स्थान की बात करेंगे रोहतास। ये इसका मूल स्थान कहाँ पे था, क्या बोल रहे थे हम लोग, सबसे बड़ी जनजाति जो थी उसका मूल स्थान कहाँ पे था, संथाल का, संथाल बंगाल था, ठीक है, परगना कहाँ, बंगाल है, ठीक है, जहाँ पश्चिमी बंगाल से लोग बंगाल आके बसा था, ठीक है। और इसका मूल स्थान कहाँ का आपको रोहतास मिलेगा। अब देखेंगे झारखंड में इसका सर्वाधिक संकेंद्र आपको गुमला में है, सिमडेगा क्षेत्र में है। प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, ठीक है। इनकी भाषा की बात करें खड़िया है, जो मुंडारी भाषा परिवार की ही एक भाषा है, ठीक है। ज्यादातर ये झारखंड में भी देख जितना हम लोग को मिला सबके सब प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह जनजाति झारखंड के अलावा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। खरखरिया अर्थात पालकी ढोने के कारण इस जनजाति को खरिया बोलते थे। मतलब मुख्यतः कौन सा काम करते थे, पालकी ढोना। पालकी ढोना जानते हैं ना, पहले गाड़ी जी। बस ये सब नहीं होता था, तो विवाह जब होता था तो उसमें बहू जो आती थी पालकी में ही आती थी, ठीक है। या फिर जो समृद्ध परिवार का जो समृद्ध परिवार का जो महिला जो होती थी, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पालकी का प्रयोग होता था, ठीक है। बंगाल में भी यह प्रचलन खूब था, क्योंकि पैदल तो चल नहीं सकते थे, इसके लिए पालकी के द्वारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब होता, खासकर महिलाएं के लिए प्रयोग होता था। तो खरखरिया, ठीक है, क्यों नाम पड़ा, तो पालकी ढोने के कारण इनका नाम पड़ा खरखरिया, अर्थात पालकी ढूंढने के कारण इनके नाम खरिया पड़ा, ठीक है। कहाँ के मूल निवासी हैं, रोहतास है। मूल निवास स्थान की बात करें इनका रोहतास कहाँ पे है, रोहतास है, ठीक है। रोहतास सामाजिक जीवन कैसा है खरिया का, तो खरिया जनजाति तीन भाग में विभाजित है। सबसे पहले पहाड़ी खरिया, ये सर्वाधिक पिछड़ा समूह है जो बिहार प्रदेश में निवास करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका सिद्धांत है लूट लाओ लूट खाओ, दैट मीन्स रोज कमाओ रोज खाओ, कल के लिए मत सोचो, ठीक है। मतलब आज है तो ठीक है, आज चल गया, ठीक है, अच्छा चल गया, कल देखेंगे होगा होगा नहीं होगा, ठीक है, लूट लाओ लूट खाओ। दूसरा होता है ढेलकी खरिया होता है। तीसरा जो दूध खरिया, खरिया समाज में सर्वाधिक विकास इन्हीं के घर हुआ है, दूध खरिया। तो तीन कैटेगरी में इनको बांटा हम लोगों ने, पहाड़ी खरिया क्योंकि सर्वाधिक बिहार इलाकों में रहते हैं, डेट मीन जंगल कह लीजिए, निर्जन अवस्था में, निर्जन स्थान पे, तो बिहार खरिया हो गया। और दूसरा जो है मतलब पहाड़ी खरिया, सॉरी, इनका सिद्धांत है लूट लाओ लूट, दूसरा नंबर पे ढेलकी खरिया और तीसरा पे दूध खरिया। खरिया में तीनों में अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक विकास किनका हुआ है, दूध खड़िया दूध, दूध खड़िया दूध खरिया का, ठीक है। ध्यान में ऊपर वर्णित तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता। अभी तक हम लोग सब में देखे सम गोत्र में विवाह नहीं हो रहा था, जितना भी जनजाति था सब में सम गोत्र में विवाह नहीं होता था, ठीक है, इनमें भी नहीं होता। समाज इनका भी पितृसात्मक का ध्यान में रखेगा, और बहुविवाह का प्रचलन है, मतलब एक से अधिक विवाह किया जा सकता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह का नाम है ओलोन दाय, जिसे असल विवाह भी कहते हैं। इसमें वर द्वारा कन्या को मूल्य देकर विवाह किया जाता है, ठीक है। विवाह के अन्य रूप निम्न भी है, तो ज्यादातर समाज में हम लोगों ने देखा सही होता है, मतलब वर पक्ष के द्वारा ही कन्या पक्ष को मतलब उल्टा, मतलब हमारे यहाँ जो प्रथा जो है उसको उल्टा, मतलब इनके अंतर्गत वैवाहिक प्रथा था, ठीक है। मतलब वर पक्ष ही मतलब कन्या पक्ष को मतलब क्या देता था, हर जगह दहेज देता था, ठीक है। आप देखेंगे क्या होता है, एक विवाह होता है जिसका उधरा उधरी, इसको सपलायन विवाह भी कहता था, और भाग कर शादी होती है। दूसरा है धूकू चोल के, यह अनाहुत विवाह था, बिना निमंत्रण दिए विवाह होता था। एक तापा है वो, ठीक है, अपहरण विवाह, जहां पर भी राजा खुशी रहेगा ना, राजी खुशी, ये आदिवासियों में प्रचलित एक विवाह है, राजी खुशी, ये प्रेम विवाह होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उधर भी राजी खुशी था, उसमें भी प्रेम विवाह ही था, ठीक है। एक विवाह जो है अलोल विवाह, ये सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसमें क्या होता है, सगी संबंधी सबके मर्जी से विवाह होता है, जिसमें कन्या पक्ष को मूल्य देकर मतलब विवाह किया जाता था। तापा विवाह, अपहरण विवाह होगा, ठीक है। उधरा उधरी विवाह मतलब भाग कर विवाह करना, इलोप, एक शब्द होता है अंग्रेजी का इलोप, ELOP, मतलब तो शादी की नियत से भाग जाना, इसका शाब्दिक मीनिंग होता है, ठीक है। खरिया जनजाति में युवा गुरु को, ठीक है, गीतिगोरा कहते थे। हर जगह युवागिरी होगा, ठीक है, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, क्योंकि ये समाज एक ऐसा समाज है, खुद को रक्षा करना भी जानता जनजातीय समुदाय, इसलिए सारे युवा पीढ़ी को, ठीक है, सब कुछ सिखाया जाता था, युद्ध कला से लेकर सब कुछ, ठीक है। इन प्रमुख गोत्र की बात करेंगे, कीरो, गिलुगु, टोपने, टोप्पो, डुंग डुंग, मूरू, भुइया, ये सारे के सारे इनके क्या है, गोत्र है, और सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। ध्यान में रखना। आप चलेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ढोकले सोहोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढोकलो सोहोर कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, महतो कहलाता है, और इसका सहयोगी के करटाहा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख महतो होता है, प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते हैं,
ढोकलो सोहोर कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका जातीय पंचायत धीरा, इनका जातीय पंचायत धीरा एवं जातीय पंचायत प्रमुख बंदिया कहलाता है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण इसी जनजाति को हुआ, इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ठीक है, किसका? तो ध्यान में कि सबसे अधिक खरिया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। ईसाईकरण होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? ब्रिटिश का भारत में आना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सर्वाधिक इसी समूह का, मतलब इसी जनजाति समूह का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ खरिया का, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो खरिया जनजाति का सबसे बड़ा पर्व जो है बाबिड, बंगारी, कदलेता, नयोमदे आदि है, ठीक है। बाबिड बीजारोपण का सार्वजनिक त्योहार है, जबकि नमोदे नया चावल खाने वाले खाने से पहले पूर्वजों को अर्पित करने की पूजा। हमारे यहाँ भी होता है, जब भी कोई नया फसल आता है तो सबसे पहले जो जो भी देवता हो उनको चढ़ाते हैं, सबसे पहले मंदिर हो तो मंदिर में जाके एक कली जाके रखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाबिड की बात करेंगे तो बीजारोपण का सार्वजनिक त्योहार है, ठीक है। तो शुरुआत में बीज क्या मनाता है? बाबिट मनाता है, जब फसल जब तैयार हो जाता है तो नयोदेम बनाते हैं, लेकिन नया चावल खाने से पहले पूर्वजों को अर्पित करने की पूजा है। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति तो आप देखेंगे जो कि सर क्षेत्र में अलग अलग नाम से बनाया जाता है, वो भी तो फसल का ही त्योहार है ना, फसल कटने पे, धान कटने पे ही तो मनाया जाता है। इसलिए देखिएगा मकर संक्रांति में ज्यादातर चीज का जो प्रयोग होगा कहीं ना कहीं उसका कहाँ से जुड़ा होता है? चावल से जुड़ा होगा। देखिएगा खिचड़ी खा लीजिए, चिवड़ा का प्रयोग होता है, लाई का प्रयोग होता है, सब कुछ तो क्या होता है उसका। फागु इसका शिकार उत्सव है, फागु इनका क्या है? शिकार उत्सव है, जिसमें जाट और बेराम की पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सबसे प्रमुख देवता बेला भगवान ठाकुर है, जो सूर्य का ही प्रतिरूप है। इस जनजाति का प्रमुख देवता, जो कि जितना भी जनजाति हो सबका पहाड़ का देवता होगा ही, वन का देवता होगा ही, एक इनका अपना पर्सनल देवता, मतलब व्यक्तिगत देवता, मतलब हर समाज में होता, हमारे यहाँ भी होता, सब क्या होगा, घर देवता जिनको कहते हैं वो भी रहेगा इनका, ठीक है। तो इनका गूमी है, ठीक है। धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले व्यक्ति को पहाड़ी खरिया के लोग, ठीक है, दिहुरी या फिर ढेलकी कहते हैं, जबकि दूध खरिया के लोग पाहन या फिर कालो कहते हैं। तो पाहन तो ऊपर में भी था, जो कि धार्मिक कार्य मुख्यतः करवाते थे, ठीक है। तो इसको पाहन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, या फिर कालो कहते थे, क्योंकि दूध खरिया के लोग कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी खरिया लोग जो जिनसे धार्मिक कार्य करवाते थे तो धीरू या फिर ढेलकी कहते थे, ठीक है। तो ये जो समुदाय जो था आपका कौन था? खरिया, ठीक है, खरिया जनजाति समूह, ध्यान में रखिएगा। ये जनजाति समुदाय का बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है, तो क्या हुआ इसका सबसे अधिक, आपको देखेंगे तो सबसे अधिक मतलब इसी का ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। अगला जनजाति समुदाय जो है हमारे झारखंड में, वो है खरवार। झारखंड की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है, जो अपने सम्मान, सत्य, वचन और सर्वस्व कुर्बान करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झारखंड की वीर एवं लड़ाका जनजाति है खरवार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खरवार का मूल स्थान की बात करेंगे तो खरवार का मूल निवास की बात करेंगे, खेरीजर होने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है तथा मुख्यतः पलामू में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? पलामू। पलामू जब बिहार झारखंड जब एक साथ था ना, तो पता है पलामू सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। अभी शायद झारखंड का सबसे बड़ा यही है कि दूसरा नहीं पता, लेकिन बिहार झारखंड जब एक साथ था तो पलामू एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला था, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम है। राजनीतिक पश्चिमी सिंहभूम में, राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत बैठकी कहलाता था, जबकि इसका प्रमुख बैगा के नाम से जाना जाता था। इस जनजाति के द्वारा ग्राम समूह को इस आधार पर गठित किया गया था। तो हम लोग पढ़े भी थे, 4 ग्राम वाला चट्टी होता था, 5 ग्राम का पंचौरा होता था, 7 गांव का क्या होता था? सतौरा होता था, ठीक सत्ता है। और सामाजिक दृष्टिकोण से जनजाति भोगता, माझी, राउत और महतो 4 उपजाति में विभाजित है। ये अपने आपको सूर्यवंशी मानते हैं और 18 हजारी भी कहते हैं। खरवारों में इवागिरी जैसी संस्थाएं नहीं होती है तथा समाज पितृसात्मक होता है। इस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना गया है, मतलब इस जनजाति में बाल विवाह होता है, जबकि श्रेष्ठ विधवा पुनर्विवाह को संगाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? शंगाई। विधवा पुनर्विवाह की प्रचलन में है, लेकिन इसको संगाई के नाम से जाना जाता है। अब बाल विवाह को यहाँ पे क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। किस जनजाति में? तो खरवार में, ठीक है, खरवार ध्यान में रखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन और रात का था, रात का कलेवा तो हम लोग भी कहते हैं, ठीक है। गाँव देहात में जाइएगा तो कलेवा बोला जाता है, ठीक है। दिन का भोजन को बियारी गाँव में अभी भी बोला जाता है, ठीक, खेत में चूल्हे के, अरे बियारी का समय हो गया चलो, ऐसा शब्द सुने होंगे, ठीक है। सुबह का नाश्ता लुकमा पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बिहारी और कलेवा अभी भी गांव समुदाय में जाएंगे तो बोलचाल की भाषा में अभी भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सुबह का नाश्ता कुलमा, दिन का भोजन दोपहर का भोजन बियारी, रात का भोजन को क्या बोलते हैं? कलेवा बोलते हैं, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से इनका प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? तो कृषि हो जाएगा, ठीक है।
खैर ब्रिज की कत्था इनका प्रमुख परंपरागत पेशा है। ठीक है, खैर ब्रिज जानते हैं ना, खैर के ब्रिज से कत्था बनाया जाता है। खैर कत्था जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये सर जानते हैं, ये पान में सर होता है पान में जो खाया पान में, जाता हाँ, है। पान को कलर देने का काम यही करता है। ठीक है, कत्था। ठीक है, तो खैर ब्रिज के कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इनके प्रमुख देवता शिंग बोंगा है, जो कि बहुत आदिवासी का प्रमुख देवता है। ठीक है, संथाली वगैरह का भी था, और धार्मिक तथा धार्मिक प्रमुख बैगा कहलाता है। ठीक है, धार्मिक प्रमुख को क्या बोलते थे? बैगा। अब आते हैं भूमिज। भूमिज विद्रोह भी हुआ था। इनका एक नेता का नाम था गंगा नारायण हंगामा। क्या हाँ, था? गंगा नारायण गंगा नारायण हंगामा नाम था, जो जी, अठारह सौ ब्रिटिश को इक्कीस बहुत बत्तीस तंग के किए। आसपास हुआ था। हाँ ठीक है, तो भूमिज विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, इस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। ये धनवार में सरदार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, भाषा मुंडारी है, और प्रजाति वही प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड होगा। ठीक है, घने जंगलों में निवास करने के मुगल काल में इन्हें, ठीक है, चूहार का नाम दिया गया। नहीं, क्या बोला गया इनको? चूहार। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या बोला गया? चूहार बोला गया। इनकी चूहार, सर्वाधिक आबादी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इनके पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता। सर्वाधिक प्रचलित विवाह, ठीक है, आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह कैसे होता था? सगी संबंधी के समर्थ मर्जी से मतलब समाज के नजर में जो विवाह होता था उसको आयोजित विवाह कहेंगे। ठीक है, तथा तलाक प्रथा पाई जाती है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर जी है और गोराई ठाकुर है। इनके पुजारी को लाया कहते, तथा इनका धर्म, ठीक है, जीवात्मवाद और मतलब हिंदू धर्म का मिश्रण रूप है। ठीक है, तो आपका भूमिज के ध्यान में रखिएगा। ये जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहते हैं इनको। भाषा मुंडारी होगी, प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड होगी। ठीक है, घने जंगलों में निवास करने के कारण मुगल काल में इन्हें चुवार कहा जाने लगा, और इनकी सर्वाधिक आबादी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, इनके पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, तथा इनमें तलाक प्रथा भी आपको देखने को मिलती है। बता, लोहरा आते हैं। ठीक है, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह का। ये जनजाति सदानी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? सदानी। जी ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा लुहारगिरी इनका परंपरागत पेशा है। इस जनजाति में जजमानी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, इस जनजाति का सर्वाधिक संकेतन दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। इनके प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा और धरती माई है। ठीक है, यह बहुगोत्रीय जनजाति है, जिसमें साठ, सोन, मगहिया, तुतली, धान, तिरकी आदि मुख्य है। ठीक है, तो लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो लुहारगिरी है। इनकी जनसंख्या कहाँ पे ठीक ठाक पाई जाती है? तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम था ना, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या है? नहीं सॉरी, इनका है छोटा नागपुर प्रमंडल में इनका। ठीक है, इनका जी संकेंद्रण कहाँ पे? छोटा नागपुर प्रमंडल में है। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, सारा जनजाति हमको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ही मिलेगा। ठीक है, अब आते असुर आते हैं। तो असुर जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, क्या है? ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, जो आदिम जनजाति के श्रेणी में आती है। इस जनजाति का उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारतों में भी की थी। ठीक है, आदि में मिलता है। ऋग्वेद में इस जनजाति के लिए निम्न संबोधन मिलता है। ठीक है, अनासा मतलब चिपटी नाक वाले, अब्रत मतलब भिन्न आचरण वाले, मृधवाच, मृधवाच का मतलब अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ मतलब लौह दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग निवासी। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है ऋग्वेद में आपको इनके लिए आपको देखने को मिलते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से पाट प्रदेश, गुमला, लोहरदगा, लातेहार में पाए जाते हैं। इनका प्रारंभिक पेशा क्या है? तो इनका नाम है लोहा गलाना। क्या है इनका प्रारंभिक पेशा? तो असुर का प्रारंभिक पेशा की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? लोहा गलाना। ठीक है, मुख्य रूप से आप बात करेंगे तो झारखंड की सबसे मतलब प्राचीन जनजाति है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, झारखंड के किस जनजाति का चर्चा आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? असुर का मिलता है। अगर पूछेंगे ऐसे मतलब अना झारखंड के किस जनजाति का, ठीक है, अनासा नाम से, ठीक है, विवरण आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो असुर का देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रजाति की प्रोटोस्ट्राइड में भाषा की बात करें असुरी है। ठीक है, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ पे मिलेगी? गुमला में मिलेगी। इनकी कुछ उपजातियां भी है, जैसे बीर असुर, बिरजा असुर, ठीक है, अग्रहिया असुर। असुर जाति के गोत्र को पारस कहते हैं। इनके प्रमुख गोत्र में बैंग, इंदवार, टोप्पो, किरकेट्टा, बारवा, अय्या आदि है। ठीक है, असुरों में विवाह आदि को इदिमी कहते हैं। असुरों में विवाह की विधि को क्या बोलते हैं? इदिमी। जबकि वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? डाकी टका। क्या बोलते हैं? डाली, डाली टका कहते हैं। ठीक है, डाली टका कहते हैं किसके? वधू मूल्य को। मतलब इनमें भी विवाह जो था वधू पक्ष को पैसा देने के बाद ही किया जाता था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जनजाति के बारे में आपको प्राचीन जनकारी जनजाति है, और आपको ऋग्वेद में भी इनके बारे में आपको चर्चा
देखने को मिलता है, उसके आरण्यक में भी, उपनिषद और महाभारत में भी इस जनजाति की चर्चा आपको देखने को मिलता है। मुख्य काम क्या है इनका, असुर का, तो लोहा गलाना। क्या है, ध्यान रखें, लोहा गलाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा तथा धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। बैगा के सहायक को सुवारी कहते हैं, असुर जनजाति के युवा गिरी को गीति ओरा कहते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर जगह पे कॉमन है। ये जनजाति से जुड़े प्रमुख शब्द एवं उनके अर्थ, ठीक है, लोलो भोटू जोमकू, ठीक है, इसका मतलब होता सुबह का नाश्ता, बियारी का मतलब होता शाम का खाना, बोथा का मतलब होता हरिया होता, ये पीने के लिए प्रयोग होता था, चावल का बनाते थे, मतलब नशा होता था इसमें। इटी ताइमा, ईदी ताइमा, विवाह की अनोखी विधि, चाम बंदी का मतलब चमड़ा धागा बांधने का रिवाज, ठीक है, सारी प्रथा जो थी किसमें, असुर में, ठीक है। जनजाति से जुड़े मतलब कुछ प्रमुख शब्द याद रहेगा, लोलो घोटू जोमकू मतलब सुबह का नाश्ता, बियारी घोटू जोमकू, बियारी घोटू और लोलो घोटू, लोलो का मतलब सुबह, बियारी का मतलब शाम, पोथा का मतलब हरिया, ईदी ताइमा का मतलब, ईदी ताइमा का मतलब विवाह की अनोखी विधि, चामबंदी का मतलब चमड़ा धागा बांधना। अब आते बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये केवल झारखंड में नहीं पाया जाता, राजस्थान में भी आपको ठीक ठाक मिलता है इनकी जनसंख्या। यह एक घुमक्कड़ जनजाति है, ठीक है, एक जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा, घुमक्कड़ है, जिनकी आबादी मात्र, ठीक है, 487 है झारखंड में, ठीक है, जो राज्य की जनजाति आबादी का मात्र कितना है, सबसे कम 0.01% ओनली। इसका मुख्य जीरो निवास रांची एवं कोडरमा क्षेत्र में। इनकी भाषा की बात कर, लंबारी। इस जनजाति में राय की उपाधि काफी प्रचलित है, इनमें कश्यप गोत्र काफी प्रचलन है, समझ रहा था, इसमें गोत्र नहीं पाया जाता। यह जनजाति चार समूह में विभाजित है, चौहान, पवार, राठौर, ऊखा, ठीक है, और ये मैंने बोला ना, इनका सीधा संपर्क राजस्थान से, देखिए अल्हार उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं, इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य डंड खेलना है, ठीक है, ये बंजारी देवी की आराधना करते हैं, नरसिंहा, खपरा, चिंकारा ढोल इनके मुख्य वाद्य यंत्र है। इस जनजाति के विधवा विवाह को नियोग, ठीक है, नियोग, नियोग प्रथा, ठीक है, विधवा, हमारे हिंदू में भी उधर जो होता था, उत्तर वैदिक में आप लोग पढ़ा था, जो जो पति के मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, छोटे भाई से जो विवाह होता था उसको नियोग प्रथा ही कहते थे, ठीक है, बधु मूल को हरजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौहान, पवार, राठौर लग रहा है ना, राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में ठीक ठाक जनसंख्या इनका मिलता है। अल्हार उदल भी थे, वहीं पे थे अल्हा उदल, अल्हा उदल कौन थे पता आपको? सैनिक थे अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के सेना को बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला, पद्मावत का लाज बचाने वाला अल्हा उदल था, इसलिए राजस्थान में बड़ा सम्मान में इनका मतलब अभी भी जाएंगे तो अल्हा उदल का नाच, ठीक है, उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है अल्हा उदल का नाच, राजस्थान में बड़ा सम्मान में वीर गाथा इनके सम्मान में गाया जाता है, मतलब कहते हैं ऐसे, मतलब जब रानी पद्मावती को, जो राणा रतन सिंह को जब अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार कर लिया, तो रानी के पास शर्त रखा गया से अगर तुम आओगी तो ही राणा रतन सिंह को मतलब वापस किया जाएगा, लेकिन रानी को किसी भी तरह से राणा रतन सिंह को वापस लाना था, इसलिए रानी उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रानी चाहती नहीं है, बहुत अच्छे तरीके राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है। अब रानी को, राणा रतन सिंह को निकालने के क्रम में अल्हार उदल दो भाई थे, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है, उसी तरह जत्ता कुप्पा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो भी मतलब किसके सेना से, जत्ता कुप्पा, जत्ता कुप्पा आई थिंक महाराणा शेर शाह, प्रताप हाँ, को तो महाराणा प्रताप के साथ मतलब लड़े थे वो, ठीक है। अब आते बाथुरी, परमाल अब राशन आते, उनका हाँ, वर्णन जत्ता कुप्पा का हाँ वर्णन है, ठीक है, उसी तो वो भी दो भाई थे। बाथुरी की बात करेंगे तो यह जनजाति खुद को भुइया का पूर्वज मानती है तथा स्वयं को क्षत्रिय मानती है, सरदार तथा मुंडा की उपाधि लेती है। इनका मुख्य निवास स्थान ढालभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और सोनरेखा नदी के तटीय क्षेत्र में है। यह जनजाति भूमिहीन कृषक है और मजदूरी पर आजीविका चलाते हैं, कौन, तो ध्यान रखे बाथुरी जनजाति। इनमें बहुगोत्रीय प्रणाली है, ठीक है, जिसमें शालुका, कोक, नाग, पानीपत, कुटुक मुख्य है, ठीक है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम देवता है, जबकि इनका पुजारी देहरी कहलाता है। ये नृत्य गीत के शौकीन होते हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कहंगू, बंसी, झाल और मांदर होते हैं। मृत शरीर के समान मोरा कुल में जलाया जाता है। इनका प्रमुख त्योहार देहरी पूजा, रसोल पूजा इत्यादि है, ठीक है।
एक बहुदुगती प्रणाली वाली जनजाति है जिनमें भुइयां का पूर्वज खुद को मानती है तथा स्वयं को क्षत्रिय मानती है, ठीक है। शड्डा तथा मुंडा की उपाधि लेती है। इनका निवास स्थान आपको मिलेगा ढालभूम के पहाड़ी श्रृंखलाएं और मतलब सुनरेखा नदी के तटीय क्षेत्रों में आपको मुख्यतः ये बथुरी जनजाति आपको देखने को मिलेगी। इस जनजाति से एक फैक्ट ये भी बन जाता है कि जनजाति जो है से भूमिहीन है, ठीक है। तो मुख्यतः कौन सा कार्य करती है, तो आजीविका पे मतलब चलाने का मतलब काम करती है, ठीक है। मतलब मजदूरी। मुख्यतः डेली मजदूरी, डेली वेजेस पे मतलब काम अपना करते हैं, मजदूरी करके आजीविका चलाती है, ठीक है। अब आते हैं अगला जनजाति जो है हमारा, उसका नाम है करमाली। ये झारखंड की प्राचीन जनजातियों में से एक है। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई एवं भाषा की बात करेंगे कुरमाली है। इसका मुख्य निवास स्थान रामगढ़, संथाल परगना, रांची, बोकारो का क्षेत्र है। इसमें सर्वाधिक आबादी हजारीबाग में निवास करती है, ठीक है। तो करमाली की बात करेंगे तो झारखंड की प्राचीन जनजातियों में से एक है। इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई एवं भाषा की बात करें क्या होगा, कुरमाली। इनका मुख्य निवास स्थान रामगढ़, संथाल परगना, रांची, बोकारो का क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक आबादी हजारीबाग में निवास करती है करमाली का, ठीक है। भाषा क्या हो जाएगा, तो भाषा इनका हो जाएगा कुरमाली। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है उसको भी देखें। यह जनजाति धातु शिल्प कला में दक्ष तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये दामोदर को पवित्र नदी मानते हैं तथा इनके सर्वोच्च देवता शिंगबोंगा है। नाया पाहन पुजारी को कहा जाता है। इसके ग्राम पंचायत को मालिक या फिर मुखिया व मालिक कहलाता है। देवकरी इनका प्रमुख स्थल है जहाँ ओझा गुनी पाए जाते हैं। करमाली को बधु मुल्ले को, ठीक है, हथुआ या पिपोन कहते हैं। टूसू पर्व को यह जनजाति मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व, मतलब बड़का मतलब बड़ा सा पर्व कहती है। वास्तव में टूसू एक लड़की का नाम है, ठीक है। टूसू पर्व को एक जनजाति मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व कहती है। वास्तव में टूसू क्या है, एक लड़की का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कौन सी जनजाति थी, तो इनके जनजाति के नाम है जिनका मुख्य काम था धातु शिल्प कला, ठीक है। कौन सी जनजाति, करमाली, करमाली। ठीक है, हाँ। और इनकी भाषा क्या है, तो भाषा कुरमाली हो जाएगा, कुरमाली भाषा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, तो रामगढ़, संथाल परगना, रांची, बोकारो के क्षेत्र में मुख्यतः आपको देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो हजारीबाग में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या आपको दिख जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें ये जनजाति के बात करें धातु शिल्प कला में दक्ष है ये तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे यहाँ पे मतलब पुजारी को पाहन कहते थे, फिर नाया कहते हैं। इनके ग्राम पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। देवकरी इनका प्रमुख स्थल है जहाँ ओझा गुनी पाए जाते हैं, ठीक है। करमाली में बधु मुल्ले के मतलब विवाह करने के वक्त जो बधु जो लाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हथुआ या फिर पोन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इनके जो पर्व की बात करें टूसू पर्व, वे जनजाति टूसू पर्व को यह जनजाति मीठा पर्व या फिर बटका पर्व कहती है। वास्तव में टूसू जो है एक लड़की का नाम है। एक जनजाति की बात, इनका नाम है बिरजिया। ये झारखंड के प्राचीनतम आदिम जनजाति में से एक है। ये मुख्य रूप से लतेहार के, ठीक है, बरवाडी, ठीक है, मंडुआ डांड, गढ़वा के भंडरिया, गुमला के बिशनपुर तथा लोहरदगा के सेना एक किसको प्रखंड में पाया जाता है। इनका मुख्य पेशा खेती जो हस्तांतरित खेती है वह उप पेशा काश्तकारी है। इस जनजाति को असुर जनजाति का एक उपभाग माना जाता है। साथ ही में ये अपने को पुंडरीक नाग के वंशक मानते हैं। यह जनजाति सुबह के खाने को लुकमा, दिन के खाने को कलेवा और रात के खाना को बियारी कहते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सामाजिक दृष्टि कैसी, यह जनजाति सिंदूरिया एवं तेलिया में बटी है। किसमें बटी है, तो सिंदूरिया एवं तेलिया में बिरजिया जनजाति बटी है। अब सिंदूरिया क्या होता है, तो इस जनजाति की सखा की महिलाएं सिंदूर लगाती है, अतेलिया इस सखा की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है, ठीक है, ध्यान रखें। दो कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन सी जनजाति, क्या नाम था इसका, बिरजिया, ठीक है, ध्यान तेलिया में रखेंगे। तेल लगाती होंगी तब सर ना। हो सकता है क्योंकि सिंदूर नहीं लगाती तो कुछ तो लगाती होगी, ठीक है। तेली खान लगाती पान के आधार पर इस है। जनजाति को दो भागों में विभाजित किया, एक है दूध बिरजिया, एक है रस बिरजिया। दूध बिरिजिया के लोग दूध पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। इस समुदाय रस बिरिजिया जो है ना, ये दूध और मांस दोनों खाते हैं, ठीक है। तो पहले कल्चर के हिसाब से, सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से दो भाग में बांटे, एक सिंदूरिया एक तेलिया, और एक बिरिजिया दूध बिरिजिया एक रस बिरिजिया, ठीक है। तो रस बिरिजिया जो है मांस और दूध दोनों खाएंगे, और दूध बिरिजिया केवल दूध के ऊपर रहेंगे, मांस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ध्यान में रहे, ये आपका हो गया बिरिजिया। टोटल कितना जनजाति था हमारा झारखंड में, 32 33। 32 जनजाति है, ठीक है। एक को बढ़ गया था ना, आप ही पुरान बताए थे ना, एक को बढ़ गया। पुरान
पुराण पुराण। पुराण। हाँ आप चलेंगे 14वां नंबर जनजाति बेतिया, बेदिया ठीक है। इनकी प्रजाति ठीक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, परंतु इनकी कोई भाषा नहीं है। इनका निवास स्थान मुख्यतः रांची, हजारीबाग एवं बोकारो जिला है। इस जनजाति में वन व्यवस्था पाई जाती है। इनका जीविका का साधन कृषि एवं मजदूरी है। कौन सी? बेदिया ठीक है। इस जनजाति में पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को करिया, महिलाओं के परंपरागत वस्त्र को ठेठी या फिर चाचन कहते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह है, जो कि इसी में नहीं लगभग सब में है। इस जनजाति में सम गोत्रीय विवाह वर्जित है, लगभग सब में सेम कंडीशन है। इसे ठुठुर ठेन कहते हैं। इस जनजाति में सर्वोच्च देवता सूर्य है तथा सूर्या पूजा अब विशिष्ट माना जाता है ठीक है। इनका धर्म स्थल सरना एवं ग्राम प्रमुख प्रधान कहलाता है। यह जनजाति प्राकृतिक पदार्थ एवं प्राणी के नाम पर अपने गोत्र के नामकरण करती है, जैसे चिड़रा ठीक है, बरवार, फेचा, महुआ, महुकल, आरे आदि। इनका क्या है? गोत्र है। अब बात है बिजिया ठीक है। ध्यान रखें इस जनजाति का विंध्य पर्वत होने के कारण, इस जनजाति का मूल निवास ठीक है विंध्य पर्वत होने के कारण इनका विंध्य वासिनी भी कहा जाता है। इनका मूल स्थान कहाँ पे है? मुख्य स्थान कहाँ पे? रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में इत्यादि जगह पे जनजाति आपको मिलेगी। यह जनजाति कई गोत्र में विभाजित है। इनमें कुलुमर्थी नाग ठीक है, डूडुल, भैरव, कौशिक, अग्निहोत्री, खरटाहा मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। विवाह जो होता है वही गोत्रीय होता है, सब में सेम होता है, सम गोत्रीय किसी में नहीं होगा, मतलब तो गोत्र से बाहर। इस जनजाति में बधु मूल्य को डाली कटार कहते थे, लगभग सब में सेम कहते हैं, तथा तलाक को छोरा छोरी कहते हैं ठीक है। हम लोग भी तो छुट्टा छुट्टी के नाम से देखे, गांव देहात में से छुट्टा छुट्टी हो गया उसका ठीक है, तो यहाँ पे छोरा छोरी बोलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह लगभग सब में सेम ही है। साथ ही गुलैची विवाह, गोलट विवाह, सगाई संगा विवाह, ढूकू विवाह का भी प्रचलन आपको देखने को मिलता है। ध्यान में इस जनजाति युवा गृह में ठीक है नहीं पाया जाता तो हरिया पानी पीना मतलब क्या वर्जित है, मतलब एक तरह का शराब जो बनाते थे चावल से वो यहाँ पे पीना वर्जित है, मतलब बिंजिया में हरिया पानी पीना वर्जित है। इनके मुख्य पेशा कृषि एवं मजदूरी है। यह जनजाति विंध्य वासिनी देवी, ग्राम देवी, चंडी देवी की पूजा करते हैं एवं इनकी पुजारी को क्या बोलते हैं? बैगा कहलाते हैं। तो कौन सा जनजाति होगा? बिझिया जनजाति। क्या? तो इसमें हरिया पानी नहीं पिया जाता, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो वधु का मूल्य को डोला का डाली कटारे कहते थे एवं विवाह जब तलाक हो जाता उसको छोरा छोरी कहते थे ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आप चलेंगे बिरहोर ठीक है। यह झारखंड की लुप्त प्राय आदिम जनजाति है तथा घुमंतू जीवन जीते हुए शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर निर्भर है ठीक है। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है एवं भाषा की बात करके बिरहोरी है, मुंडारी भाषा का ही अंग है ठीक है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग में बिरहोर का, परंतु इनका विस्तार चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला जिले में भी है ठीक है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मतलब होता है जंगल के लोग। क्या होता है? जंगल के लोग होता है ठीक है। बिरहोर की बस्ती को क्या बोलते हैं? तो बिरहोर को बस्ती को टंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। तथा झोपड़ी नुमा घर को क्या बोलते हैं? कुंबा कहा जाता है। बिल्कुल इनका युवा गृह को क्या बोलते हैं? तो गितिवोरा कहते हैं, जो कि लगभग सब में कॉमन था, जिसमें लड़कों का निवास ठीक है डोंडा कांठा है, वो लड़कियों का निवास डिंडी कुंडी कहलाता है। बिरहोर एक समुदाय जांघिक अस्थायी कृषक होता है। क्या होता है? बिरहोर का एक समुदाय जांघी जो होता है अस्थायी कृषक होता है, जो निम्न भूमि को बेरा, उच्च भूमि को गोरा तथा बीच भूमि को मतलब क्या बोलते हैं बादी कहते हैं। तब ध्यान में रखें बिरहोर का एक समुदाय जो होता है जांघी अस्थायी कृषक होता है, जो निम्न भूमि को बेरा कहते हैं, उच्च भूमि को गोरा कहते हैं तथा बीच की भूमि को क्या बोलते हैं बादी कहते हैं। भूमि सामुदायिक संपत्ति होती है अतः इसका विक्रय क्या होता है? वर्जित है। आदिवासी लोग भूमि को बेचते भी नहीं है ठीक है। बेचते भी है तो क्या आपस में क्रय विक्रय करते हैं, बाहरी लोगों से नहीं बेचते ठीक है। आप बेच भी नहीं सकते हैं ठीक है। अब बाहरी लोग अगर मान लो बेच भी दिया ना, बाहरी लोग खरीद भी गया तो आपको समझ जाओगे पैसा डूब गया, समझ रहे हैं ना। जनजातीय क्षेत्र में जाके आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते ठीक है, स्पेशल इन लोगों का सिक्योरिटी मिला हुआ है, मतलब बेचेंगे आपस में बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वालों को बेच दिए ठीक है। उथलू भुलिया के जिंदगी का सार बस है दान इनका। दान में देते हैं, दान में। हाँ हाँ ठीक है। उथलू भुलिया के जिंदगी का सार क्या है? लूट लाओ लूट खाओ। यह जनजाति मूलतः घुमक्कर है ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है इनकी? बिरहोर का भी मतलब तो जिंदगी का मुख्य सार ही है, लूट लाओ लूट खाओ ठीक है। बिरहोर में अनेक प्रकार का विवाह, जैसे नपब बापला कहते हैं, उदरा उदरी बापला कहते हैं, बोलो बापला कहते हैं, बापला का आई थिंक शाब्दिक अर्थ विवाह होता होगा ठीक है। शिपुंदूर कहते हैं बापला, हिरुम बापला ठीक है, बेंकढ़ी बापला ठीक है। इनके प्रमुख देवता शिंगबोंगा तथा हेप्रोम है।
इनकी प्रमुख नृत्य कौन है, डोंग, लागरी या फिर मुटकार। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपका हो गया, ठीक है, बिरहोर हो गया। खाद्य संग्रहण पर मुख्यतः निर्भर है, लुप्त प्राय आदिम जनजाति मानी जाती है, लुप्त प्राय है, ठीक है, मतलब इनकी जनसंख्या काफी कम हो गई। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का लोग होता है। ठीक है, बिरहोर के बस्ती को क्या बोलते हैं, टंडा कहते हैं, झोपड़ी नामा घर को क्या बोलते हैं, कुंबा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, बाकी लगभग सारे कुछ तो सब में जो होता है वही कॉमन ही है। अब बैगा, इनका प्रमुख निवास स्थान पलामू, चतरा, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग है, इनकी पवित्र पशु बाघ है, इनमें टोटेम अर्थात गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखे, कोई गोत्र नहीं होता है। इनका प्रधान नृत्य करमा, झारफट में बिमला, करमा नृत्य से प्रश्न पूछते हैं, झारखंड का नृत्य, आदिवासियों का नृत्य है। ठीक है, पुरुषों का नृत्य दर्शन शैला जबकि महिला का नृत्य रीना कहलाता है। इनके प्रमुख देवता बरा देव है जो सखुआ वृक्ष में निवास करते हैं, इसके अलावा ठाकुर देव, धरती माता, राता माई, आजी दत्ती भी देवता है। ठीक है, इनका प्रमुख पर्व की बात करें चरैता, बिदरी, हरैली मनाते भी है ना, हरैली झारखंड में, रसनावा, नव भोज एवं फाग है। ठीक है, हरैली झारखंड में मनाते हैं, और हरैला कहाँ पे मनाते हैं, हरैला उत्तराखंड में उत्तराखंड में, हरैली झारखंड में भी मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं। ठीक है, चरेता वर्ष का पहला पर्व होता है जबकि रसनावा वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। ठीक है, नव वर्ष के पश्चात मनाया जाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह की बात करें मंगनी है। ठीक है, साथ ही लामसेना सेवा विवाह होता है, पैथुल विवाह को डुकू विवाह कहते हैं, उठावा विवाह का मतलब राजी खुशी विवाह, लेकिन भाग के विवाह होता है उसको उठावा विवाह का भी प्रचलन में देखने को मिलता है। इनके सामुदायिक पंचायत का मुखिया को मुकद्दम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुकद्दम कहते हैं। ध्यान में क्या नाम था जनजाति का, तो जनजाति का नाम हो गया आपका बैगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका पवित्र पशु क्या होता है बैगा का, तो पवित्र पशु क्या है आपका बाघ है। बाघ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो पढ़ेंगे चेरो, चेरो विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं, इनका मुख्य निवास स्थान पलामू प्रमंडल है, इस जनजाति को 12 हजारी 13 हजारी भी कहा जाता है, इसमें से 12 हजारी को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वैद्य के संतान होते हैं। यह जनजाति स्वयं को चौवन ऋषि का वंशज मानते हैं, यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। इस जनजाति में टोटेम प्रथा नहीं है, टोटेम प्रथा मतलब, टोटेम का मतलब क्या, गोत्र, गोत्र क्या गोत्र हुआ गोत्र टोटेम का मतलब। टोटम का ठीक है, मतलब गोत्र हाँ गोत्र गोत्र होता है। ठीक है, तो चेरों में गोत्र प्रथा नहीं है। इनके विवाह दो प्रकार में पाए जाते, ढोला और चढ़ा। ढोला का मतलब क्या होता है, लड़के के घर लड़की आती है, और चढ़ा का मतलब क्या होता है, लड़का लड़की के घर जाता है। ठीक है, देख लीजिए, मतलब दोनों प्रकार का विवाह होता है, कौन, ढोला और चढ़ा। ढोला में क्या होता है, लड़के के घर लड़की आती, मतलब लड़का घर जमाई बन के रहेगा। ठीक है, और चढ़ा में क्या होता है, लड़का जो, सॉरी उल्टा बता दिए क्या, ढोला में लड़के के घर लड़की जी आती सर है, और जी चढ़ा में सर। लड़का जो है लड़की के घर जाता ढोला है। मतलब ठीक, जनरल विवाह हो गया। सामान्य विवाह हो गया जो कि प्रचलन में है, और चढ़ा में क्या होता है, लड़का जो है लड़की के घर जाती है। ठीक है, इस जनजाति में वधू मूल्य को क्या बोलते हैं, दस्तूरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज होगा, वहां पे क्या बोलते हैं, डाला कटारी बोलते थे ना, यहाँ पे दस्तूरी बोलते हैं। ठीक है, यस ये सर। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो जंगल में रहना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो ये जंगल में नहीं रहती, चेरो जनजाति हाईटेक है थोड़ा ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जंगल में रहना खुद को पसंद नहीं करती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कुछ नया चीज राजपूत मिला है, जैसे किसी बधुमूल के दस्तूरी कहते थे, विवाह की नई पद्धति देखने को मिला, ढोला और चढ़ा, टोटेम प्रथा नहीं है। ठीक है, खुद को मतलब ऋषि का वंशज मानते हैं, चयवन ऋषि के वंशज मानते हैं, खुद को राजपूत भी कहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और जनजाति को 12 हजारी 13 हजारी भी कहते हैं चेरो को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका एक विद्रोह भी हुआ था, चेरो विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था चेरो विद्रोह, इस 1770 के आसपास सबको चेरो विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक चेरो शासक हुआ करता था ना, जिसका नाम इंद्रजीत राय, की क्या नाम था, ठीक है, उसी के लिए किया गया था। ठीक है, भुक्खन सिंह चेरो के कुछ नाम था, पता नहीं 70 के आसपास हुआ था, 1770 के आसपास, गूगल करके देख लीजिए चेरो विद्रोह। ठीक है, मुझे ये याद है 1770 के आसपास चेरो 1800 वंश बता को, रहा है सर गूगल। 1800, 1800 के आसपास जी, ना, और ये भुखन सिंह चेरो द्वारा किया गया हाँ था। भुक्खन सिंह चेरो। ठीक है, देख लीजिए, सबको ना सीरीज में चलता है। चलिए अब आते हैं, तो चेरो विद्रोह का हो गया, उसके बाद है चीक चीक बराइक, इनका मुख्य पेशा की बात करें बुनाई है, इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ठीक है,
तो किस जनजाति का मतलब हाथ से बने कपड़ों का जनक कहते हैं या फिर मुख्य पेशा बुनाई, तो चीक बराई का, ठीक है। इनका निवास स्थान रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं लातेहार जिला में है, ठीक है। इस जनजाति में बधु मूल्य को गुनोट कहते हैं। इनमें विधवा विवाह, पुनः विवाह दोनों का प्रचलन है। विधवा विवाह को संगाई कहते हैं, ठीक है। यार क्या बोलते हैं, पहले भी बोले थे संगाई, यहाँ पर भी संगाई कहते हैं। इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, जबकि सर्वोच्च देवी देवी माई है, ठीक है। बैसाख में जनजाति द्वारा बड पहाड़ी एवं सूर्या की भी पूजा की जाती है। आरंभ में इस जनजाति को मरवली प्रथा थी जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। मिट्टू पत्थर ये जनजाति सबको मसना करती है, मसना मतलब दफना देती है, ठीक है। तो क्या करती है मुख्यतः, मतलब क्या करती है सबको, मतलब क्या करती है, मृत्यु के बाद मसना करती है, दफना देती है, ठीक है। ध्यान, नरबलि होना चाहिए, मरबलि लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चीक बराई का मुख्य काम क्या है, तो हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। पेशा जो है इनकी बुनाई है। निवास स्थान रांची, खूंटी, गुमला में पाया जाएगा, ठीक है। इस जनजाति के वधु मूल को क्या बोलते हैं, गुनोट कहते थे। इसमें नोट विधवा विवाह, पुनः विवाह दोनों का प्रचलन है, ठीक है। संगाई विधवा विवाह को क्या बोलते थे, संगाई संगाई कहते थे, ठीक है। ध्यान, इनमें सर्वोच्च देवता कौन है, सिंह बोंगा, जबकि बोंगा इसके सर्वोच्च देवी का नाम क्या है, देवी माई। माई दूसरी गोंद, गोंद की बात करेंगे, भारत की सबसे कौन बड़ी सी, जनजाति बन गई ना दूसरी, गोंदी है, यस सर, सबसे बड़ी गोंदी है ना, दूसरा पे सबसे भील बड़े है। भील, सबसे भील बड़े पहला है, भील, गोंद। सबसे बड़ा भील अच्छा सर, दूसरा अच्छा तो गोंद है, चेंज हुआ था ना बीच में, गोंड सेकंड नंबर है, सबसे बड़ा भील है। हाँ अच्छा। तो इसी में एक जगह गलत दिया था, एक जगह सुधार दिया, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखना है, भील सबसे बड़ी जनजाति है, तो दूसरी नंबर पर गोंड आती है। इनका मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक है। झारखंड में ये मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला क्षेत्र में पाई जाती है गोंड जनजाति, ठीक है। इन जनजाति की प्रमुख भाषा गोंडी है, परंतु बोलचाल में ये सादरी एवं, ठीक है, नागपुरी का भी प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा दी जाने वाली हस्तांतरित खेती को दीपा या फिर व्यवहार कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, दीपा क्या है, एक प्रकार का हस्तांतरित कृषि, श्लेषण वन कृषि जो होता है ना, उसी से मिलता जुलता है दीपा, ठीक है, उसी का नाम है दीपा, ठीक है। तो हस्तांतरित खेती को क्या, असम में भी दीपा बोला जाता है ना, स्थानांतरित कृषि हाँ, जनजाति के द्वारा किया जाता है दीपा। जी। ये जनजाति तीन भागों में विभाजित, एक है राजगुंडा, ये सबसे धनी संप्रदाय है, मुखिया प्राय इसी समुदाय का होता है। दूसरा में बात करेंगे धूर गुंडा, ठीक है, क्या सामान्य कृषक होते हैं। तीसरा में क्या होता है, कमिया होता है, जो कि भूमिहीन श्रमिक मजदूर होता है। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव है, ठाकुर देई है, जो क्रमशः सूर्य और धरती का प्रतीक है। ठाकुर देई देव और ठाकुर देई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके कुल देवता का नाम, ठीक है, परसापन है। इनका पुजारी बैगा तथा उनका सहायक मती कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका कौन, गोंद समुदाय, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रश्न। गोराइट, ये झारखंड की लघु जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रियाई प्रजाति से संरक्षित है, संबंधित है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची है। ये प्रजाति, ठीक है, देवी माई एवं पुरैया की पूजा करते हैं, सॉरी, देवी माई और पुरवैया की पूजा करते हैं। पुरवैया एक जनजाति है, भूआत्मा है, जिसे साल में एक बार बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है। इसका पुजारी बैगा कहलाता है। इनके प्रमुख गोत्र टूडू, बाघ, इंदवार या फिर खलखा है, ठीक है। अब आते हैं माल पहाड़िया, प्रजातीय दृष्टिकोण से यह प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, तथा इसी की भाषा माल्टो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। इनका मूल स्थान निवास तथा संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा, देवघर, जाम तारा व पाकुड़ जिला में है, ठीक है, माल पहाड़िया, ठीक है। यह झारखंड की आदिम जनजाति है, तथा पहाड़िया जाति की दो शाखा में दूसरी शाखा कौन सी है, तो शौरिया पहाड़ी है, ठीक है। इस जनजाति द्वारा की जाने वाली झूम की खेती को कुरबा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुरबा खेती किनके द्वारा की जाती है, तो माल पहाड़ी के द्वारा, मतलब माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा कुरबा खेती की जाती है, जो कि एक प्रकार का झूम की खेती ही है, ठीक है। आप देखें, माल पहाड़ी अपनी भूमि को चार श्रेणी में विभाजित करते हैं। सबसे सेम जो होता है अत्यधिक उपजाऊ, इकुर जो होता है कम उपजाऊ, डेम सामान्य भूमि, ठीक है। बारी की बात करें, घर के बगल की भूमि को बारी बोलते हैं, हम लोग में भी बारी ही बोलते हैं, ठीक है। गांव देहात में देखिएगा, तो बारी में रखा होगा, देखो ना, मतलब जो चौर चार नहीं होता घर के एकदम सटा हुआ, उसी को बारी बोला जाता है। तो घर के बगल की भूमि को बारी बोलते हैं गांव देहात में, तभी भी बोलते हैं। डेम को सामान्य भूमि, और टीकुर को कम उपजाऊ, और सेम को अत्यधिक उपजाऊ भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो माल पहाड़िया अपने भूमि को चार कैटेगरी बोलते हैं। भाषा बोलते हैं माल्टो, जो कि द्रविड़ियन भाषा परिवार का एक भाषा है, ठीक है। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट ही आते हैं, ध्यान में रखिएगा। झारखंड की आदिम जनजाति है, तथा पहाड़ी जनजाति के दो शाखा में से एक है, दूसरी शाखा कौन सी है, तो शौरिया पहाड़ी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब चलेंगे आगे, ठीक है। माल पहाड़ी जनजाति में मूल्य बधि के रूप में सुअर देने की प्रथा है, समझ रहे हैं। तो मूल्य बधु मूल्य के रूप में क्या देते हैं, ये लोग सुअर देते हैं, जबकि बधु मूल्य को पोन या फिर टका, नकदी एवं बंदी भी कहते हैं। बंदी का मतलब क्या, मतलब वस्तु दे दिए, कैश में देना हुआ तो नकदी दे दिए, या फिर वैसे। प्रथा क्या है, तो सुअर देने की प्रथा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि कैश में भी और वस्तु सामान के रूप में भी दिया जाता है बधु मूल्य। इस जनजाति में तलाक की स्वीकृति भय्याद देता है, जबकि अगुआ को शिथ, क्या बोलते हैं, अगुआ को शिथदार कहा जाता है। तलाक की स्वीकृति को भय्याद कहते हैं, तथा तो जबकि अगुआ जो विवाह कराता है उसको क्या बोलते, शिथदार कहा जाता है। इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा सबसे मुख्य पूजा है। इनके सर्वोच्च देवता धरती गुराजी, जिसे पशुपति या फिर बीरू के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा जनजाति था, माल पहाड़िया, ठीक है, ध्यान में रखना। इस जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण पूजा माघी पूजा है। इसके अलावा जेठ महीने में बीजारोपण के समय बीजी एराई पूजा, भादो महीने में गांगी पूजा, तथा अगहन महीने में, ठीक है, एराई घंगर पूजा का भी प्रचलन होता है। इनका ग्राम प्रमुख को क्या बोलते हैं, माल पहाड़िया को माझी कहते हैं, ठीक है। इसी की दूसरी शाखा जो है कौन है, सोहरिया, ये पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा है, ठीक है। प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, तथा इनकी भाषा मालतो है। ये जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। इनका निवास स्थान संथाल परगना है। इस जनजाति का वर्णन मेगा स्निज ने भी, ठीक है, माली एवं सैरी सौरी के नाम से किया। मेगा स्निज ने किसका वर्णन किया था, सौरिया पहाड़ी जनजाति का वर्णन मेगा स्निज ने किया है, ठीक है। सदरलैंड ने 1833 में सौरिया पहाड़ी जनजाति के निवास हेतु दामिने को क्षेत्र का सृजन किया था। यह भी पूछा जाता है, दामिने को क्षेत्र का सृजन कब किया गया था, 1832, पढ़ा इसमें 33 दिया हुआ है, ठीक है, 1832-33 लेके चलिए, ठीक है। तो 1832-33 में सौरिया पहाड़ी जनजाति के निवास के हेतु दामिने को क्षेत्र का सृजन किया गया था, ठीक है। इस जनजाति कृषि एवं वन पर आश्रित है, तथा इनकी झूम की खेती को कुरबा कहते हैं, ठीक है। तो कुरबा भी दीपा की तरह ही एक प्रकार का झूम का खेती का ही टाइप्स है, ठीक है। ध्यान रखें, इनके आवास को अड्डा या फिर ढाल भूमि पर की गई खेती को भिट्ठा या फिर धीमा कहते हैं। ये जनजाति गोमांस का भक्षण नहीं करती, जबकि माल पहाड़ी करती है, ठीक है। और इसी का इन्हें अपवित्र भी समझा जाता है। तो माल पहाड़ी को अपवित्र समझा जाता है कि गोमांस का भक्षण करती है, जबकि ये पहाड़ी, ये सौरिया पहाड़ी नहीं करती है, ठीक है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, तथा सबको दफनाने की प्रथा है, ठीक है। इस गोत्र सबको दफनाने की प्रथा है। इनका इवागिरी कोडवा कहलाता है। इनके प्रमुख देवता लेहु गोसाई है, जो सृष्टि करता है। इनके अलावा इनके देवता की बात करेंगे, बेरु गोसाई सूर्य के देवता है, बिल्प चांद है, ठीक है, धर्मारे गोसाई सत्यदेव है, ठीक है, जन्मात्रे गोसाई जन्मदेव है, हो की बात करेंगे तो राजमार्ग देव है, ओटगा की बात करेंगे शिकार देव को की भी पूजा की जाती है, ठीक है। इनका पुजारी कांदो माझी कहलाता है, जबकि कांदो माझी के सहयोगी कोतवार एवं, ठीक है, चालवे होते हैं। यह जनजाति भादो में गांगी अराया, ठीक है, कार्तिक में ओसरा अराया, पूस में पूनू अराया, और माघ चैत्र में सलियानी पूजा करते हैं। सभी पूजा फसल उत्पादन से ही संबंधित है। जनजाति में जनरली जो फसल होगा वो फसल उत्पादन से ही संबंधित होता है, जो भी पूजा जो होता है, जो कि फसल उत्पादन से ही संबंधित है, ठीक है। अब आते पहाड़िया पर लिए ना, ये कौन सी जनजाति है, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया हो गया, और ये जो जनजाति है परहैया, ठीक है, यह भी एक आदिम जनजाति। इनका मूल निवास स्थान पलामू है। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। इस प्रकृति में परिवार की गिनती चूल्हे से की जाती है। इस प्रजाति में परिवार की गिनती किससे की जाती है, चूल्हा से की जाती है। इनके प्रमुख शब्द है झाला, मतलब झोपड़ी नुमा घर, पुराल का मतलब, पुराला का मतलब चूल्हा होता है, बिरोया का मतलब क्या होता है, झूम की खेती होती है, ठीक है। अब चलेंगे क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, पारी का मतलब नातेदारी होता है, धवानिया का मतलब जन्म से जुड़ी का नातेदारी अर्थात कुल कुटुंब, सनाही का मतलब क्या होता है, शादी से जुड़े नातेदारी अर्थात हित कुटुंब, डाली का मतलब क्या होता है, डाली कटारी, पढ़े तो ना हम लोग, ठीक है, बधु मूल्य होता है, ठीक है। अब देख सबर जनजाति, ठीक है, तो सबर जनजाति के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यह झारखंड की आदिम जनजाति है, इसे पहाड़ी खरिया भी कहते हैं। सबर की चार उपजातियां हैं, जैसे झारा है, बासु है, जनतापटी है, उड़ीसा में मिलती है, ठीक है, या फिर जहरा है, जिसमें मात्र जहरा उपजाति झारखंड के ढाल भूम में पाई जाती है। सबर जनजाति में गोत्र प्रथा इवागिरी नहीं पाया जाता है, परंतु पूर्वज पूजा बलि प्रथा, बलि प्रथा में मुर्गा बलि बधु मूल परंपरा पाई जाती है। इनके मृत पूर्वज को, ठीक है, महिमसान कहते हैं। इनके पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, ठीक है। ये लोग काली एवं मनसा की उपासना करते, कौन सा, शबर जनजाति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब आते खोन दाते हैं, यह जनजाति की एक लघु जनजाति है, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या मात्र 221 पाई गई, ठीक है। अब इसी जनजाति में नर बलि की प्रथा भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। झारखंड के इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान गढ़वा परगना में है। खोन जनजाति द्रविड़ प्रजाति से आते हैं तथा इनकी भाषा कोंधी है। इस जनजाति में नर बलि की प्रथा है जिसे मरिया प्रथा कहते हैं, ठीक है। इस जनजाति के तीन प्रजातियां में है। इस नर बलि के प्रथा को खत्म करने का काम किसने किया था? हार्डिंग जो की है, लॉर्ड हार्डिंग। हाँ, उसी ने हाँ कैंपबेल को भेजा था इसके लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नरबलि की प्रथा था इस जनजाति में, इसको ध्यान में रखिए। इसको समाप्त किया गया था ब्रिटिश ने समय में, लेकिन उड़ीसा में पाया जाता कौन, ठीक है। इनकी संख्या मात्र 221 रह गई है, जो कि मात्र 0.003% है। आप देखेंगे कुरिकुहिया, ये पहाड़ी भागों में निवास करती है। डोंगरिया, ठीक है, पहाड़ी के निचलों में रहकर बागवानी करती है। देसिया, समतल भूमि में रहकर कृषि करती है। कुहिया तथा डोगरिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पोर्चा कहते हैं। इस जनजाति के प्रमुख देवता बेलापुन एवं बुरा पेनू है, ठीक है। साथ ही ग्राम देवता, ठाकुर देवता, मरांग वुरु की भी पूजा होती है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार नवानंद है। नवानंद मतलब नवा खानी के शब्द से। इसका ग्रामीण संगठन का मुखिया गौतिया कहलाता है। इस जनजाति अपने आप को 100% हिंदू मानती है, ठीक है। पूरी तरीके से जनजाति जो है खोंद जनजाति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदू है। कोंधी इनका भाषा है। नरबलि की प्रथा है। जनसंख्या बहुत ही कम रह गई, 2011 की जनसंख्या अनुसार मात्र 221 है, ठीक है। चार श्रेणी में खुद को बांटी है, ठीक है। कुहिया, डोंगरिया, देसिया, इतने चार था कि नहीं, तीन है, सॉरी, कुहिया, डोंगरिया और देसिया में खुद को भाषी। किस आधार पर बांटा है? तो कृषि के आधार पर। एक जो है पहाड़ी भागों में निवास करती है, पहाड़ी के निचले तल्लों में रहकर बागवानी करती है। एक जो समतल भूमि में रहकर कृषि करती है। आप चलेंगे कोरबा, कोरबा की जगह भी छत्तीसगढ़ में। ये झारखंड की आदिम जनजाति है, ठीक है, जिसकी प्रजाति प्रोटो एस्ट्रियाइड है। इनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश है। झारखंड में इसकी सर्वाधिक आबादी गढ़वा जिले में पाई जाती है। इनकी दो उपजाति है, ठीक है, एक पहाड़ी कोरबा और दूसरा जो दिरहिया कोरबा। पहाड़ी कोरबा पहाड़ पर निवास करेगा, दिरहिया कोरबा गाँव में निवास करेगी, ठीक है। आप चलेंगे क्या है? तो इस जनजाति द्वारा की जाने वाली हस्तांतरित कृषि को बियोरा कहते हैं। इस जनजाति में गोत्र प्रथा पाई जाती है, जो कि हुट्टर टीए काशी सुइया कोकट बुचुंग आदि में विभाजित है। इस जनजाति में चढ़के और डालों का संबंध विवाह से है, ठीक है। इसके प्रमुख देवता सिंह बोंगा भगवान है, जबकि इनका प्रधान पुजारी बैगा कहलाता है। भगवान के अलावा ये जनजाति धरती माई, ठीक है, रक्सेल, डरहा, चांडी, सोखा, देवी देवता की भी पूजा करते हैं। इस जनजाति के पंचायत को क्या बोलते थे? इस जनजाति के पंचायत को क्या बोला जाता था? मयारी बोला जाता है। क्या बोला जाता? मयारी। अब आते किसान, ठीक है, यह भी एक जनजाति है। यह जनजाति स्वयं को, ठीक, नगेसिया कहती है। कृषि कार्य प्रमुखता से करने के कारण यह किसान जनजाति के रूप में जाना गया। डाल्टन महोदय ने इस जनजाति को पांडवों का वंशज बताया, ठीक है। तो किसान जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो पांडवों का वंशज माना जाता है। और इनका मूल स्थान कहाँ पे? तो इनका मूल स्थान कहाँ पे? तो पलामू में है। कहाँ पे है? पलामू में। इस जनजाति में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। तो यह जनजाति दो भागों में विभाजित है, एक सिंदूरिया, दूसरा तेलिया। इस जनजाति में कई प्रकार का विवाह होते हैं, जैसे आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, चढ़ऊआ विवाह, सामान्य विवाह, गुरुवा विवाह, लड़की को घर से लाकर विवाह करना, ठीक है, इसको गुरुम्बा विवाह कहते हैं। इस जनजाति में बधो मूल को डाली कहा जाता है। इनका प्रमुख देवता शिंगबोंगा, शिंगोप्पा देवता जो है सब में कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक फीमेल में कौन मिलेगी? तो धरती की, धरती माई, ठीक है, सब जगह मिलेगी। अब आते हैं कोरा, कोरा जिसे डांगर भी कहा जाता है। कोरा का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी, कोरना, कोरना मतलब काटना, ठीक है। ये जनजाति मुख्य रूप से बोकारो में पाई जाती है। इस जनजाति में गोत्र प्रथा प्रचलित है। गोत्र को गुष्टी कहा जाता है। गोत्र प्रथा में सबसे ऊपर कच्छ एवं सबसे नीचे बुटकोई गोत्र होता है। रिजले महोदय ने इस जनजाति को सात समूहों में बांटा है, ढालो, मोलो, बदमिया, ठीक है, जेठिया, सोनरेखा, ठीक है, सिखारिया, गुडी। इसका प्रमुख नेता खेमटा, झिंगफुलिया, गोलवारी एवं दोहरी आदि है। सर्वाधिक मुख्य संस्कार गोदना है, जो स्वर्ग नरक एक दूसरे को पहचानने का साधन है। गोदना महिलाएं शरीर पे गुदवाती थी, महिलाएं ने पुरुष भी, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग नरक में मरने के बाद भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। महिला समानता अपने पति का नाम वगैरह अभी भी गोदना गुदवाती है, ठीक है। अरे गोदना क्या, अभी हम लोग अभी जो नया पीढ़ी जो जाके क्या कर टैटू जो करवाता है ना, तो गोदना ही एक तरह का, ठीक है। इसका पूजा स्थल पिंगी, अखरा, बोंगा थान, दादी थान,
ठीक है, अरहिर स्थान आदि है। इनकी पुजारी बैगा कहलाता है, ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। अब बधुमूल को क्या बोलते हैं, चेंज हो गया पे, बधुमूल पून कहते हैं। क्या बोलते हैं, पून। आप चलेंगे लास्ट ही है, महली। ये झारखंड की शिल्पी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है, बांस कला में दक्ष, ठीक है, प्रवीण मानी जाती है। कार्य के आधार पर रिजले महोदय ने इन्हें क्या किया, उपजाति में विभक्त किया है। ठीक है, सबसे पहला बांस फॉर महली, इनका क्या काम होता है। रिजले बिल्कुल कौन था, रिजले का नाम मस्त बार बार रिजले बात को भी जानते हैं, ये ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, क्योंकि इसी ने सबसे, आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है, इसी ने सबसे पहले जितने भी भारत की आबादी है उसको जाति के आधार पर शायद इसने बांटा था, रिजले ने। ठीक है, बात देख लीजिएगा। बांस पर महली की बात करें, बांस के वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष है। पातर महली बांस के उपकरण बनाना तथा खेती करते हैं, मुख्य रूप से तमार में मिलते हैं। तांती महली शादी ब्याह में पालकी ढोना में बाजा बजाना। सुलकी महली कृषि कार्य में एवं मजदूरी। महली मुंडा, ठीक है, मजदूरी एवं कृषि, मुख्य निवास स्थान लोहरदगा है। इस जनजाति में सर्वाधिक आबादी रांची जिले में पाई जाती है। इस जनजाति में सर्वोच्च देवता सूरजी देवी है। इनके अलावा बर पहाड़ी, मनसा देवा, गोराम साकी, लेकिन इनके पूर्वज उनकी पूजा होती है। ठीक है, सिल्ली में, छिल्ली क्षेत्र में रहने वाले महली जनजाति उत्तर पूजा करती है। इस जनजाति का सांस्कृतिक विरासत काफी ऊंची है। इसी जनजाति के लोग संगीत सृजन नामक स्थान चलाते हैं। साथ ही नागपुरी के विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध महान नागपुरी लेखक, ठीक है, घासी राम इसी जनजाति से संबंधित है। तो नागपुरी के विद्यापति कहा जाता है घासी राम को। ठीक है, और घासी लोग किस जनजाति से आते हैं, तो महली से आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाग किसका विद्यापति, नागपुरी लेखक, ठीक है, घासी राम इसी जनजाति से आते हैं, इनको विद्यापति कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी के विद्यापति के नाम से घासीराम महली से आते हैं। कंवर, राज्य के गठन के समय अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं थी, अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं थी, लेकिन 8 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने इसे झारखंड के 31वें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। इस जनजाति का मुख्य निवास, ठीक है, पलामू, गुमला, सिमडेगा में है। ठीक है, इस प्रजाति पोटोएस्टलाइड एवं भाफा कबरांती है। कबर जनजाति स्वयं को करब कुल की मानती है तथा इसमें प्रचलित मुख्य गोत्र प्रहलाद, वशिष्ठ, शुक्रदेव, परसार एवं विश्वामित्र आदि है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह करे विवाह है। ठीक है, कौन सा विवाह, करे विवाह। यहाँ मूल्य वधु को, ठीक है, शुकदाम मतलब शुक मूल्य कहा जाता है। वर पक्ष द्वारा अपने गोत्र एवं वंश से बाहर लड़की ढूंढने की प्रथा का कुटमैती बोलते हैं। तो कुटमैती तो अपने इधर भी कहते हैं ना, कुटमैती का मतलब क्या, अपने गोत्र या वंश से बाहर। ठीक है, इस जनजाति के पंचायत का मुखिया सयाना एवं पुजारी को क्या बोलते हैं, बैगा कहते हैं। लास्ट कोल, ठीक है, कोल जनजाति। ठीक है, तो कोल जनजाति की बात करेंगे, कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह 1831 में ना, 1831 कोल विद्रोह की बात करेंगे, 1831 में होता। नेता कौन था कोल विद्रोह का, बुद्धो भगत। हाँ बुद्धो भगत था, ठीक है, कुल विद्रोह का, लेकिन इसका नेता सिंधराय बिंदराय भी होता है। ठीक है, सिंधराय और बिंदराय, ठीक है, ध्यान रखिए। झारखंड की 32वीं एवं अंतिम जनजाति है। इसमें 8 जनवरी 2003 को जनजाति के रूप में भारत सरकार के द्वारा मान्यता मिली। प्राचीन कला में कुल शब्द का प्रयोग झारखंड के सभी जनजाति के लिए किया जाता था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह जनजाति मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिदेह में आपको मुख्यतः आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसके अगर बात करेंगे तो ये जनजाति में और क्या चीज है, तो कबर की भांति ये जनजाति भी सरना संस्कृति को मानती है। ठीक है, इनके मुख्य देवता शिंग बोंगा है। इनमें बधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ये जनजाति लोहा गलाने के साथ से कृषक मजदूरी कार्य में भी कार्य करती है। इस जनजाति की परंपरागत पंचायत को मुखिया माझी कहलाता है। यह जनजाति प्रकृतिवादी है तथा महुआ, शकुआ, आम जैसे वृक्षों की पूजा करती है। ठीक है, तो ये हो गया 32 के 32 जनजाति हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्या क्वेश्चन करना पसंद करेंगे आप लोग, यस सर, कितने क्वेश्चन है पता है आपको, कितना यू हैव एनी आइडिया हाउ मच क्वेश्चन। 550 तो क्या कर पाएंगे, सर, क्वेश्चन कीजिएगा सर, जितना होगा उतना देखते हैं। 100 तो कम से कम कर ही लेते हैं, कल 400 कर लेंगे, कल एक क्लास करेंगे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, कल एक क्लास में केवल क्वेश्चन ही करेंगे, कल रिपीटेशन भी कर लेंगे एक क्लास के बाद, आपका वीडियो रह जाएगा आपको क्वेश्चन का। ठीक है, शुरू किया जाए क्वेश्चन। स्टार्ट कीजिए।
क्योंकि मेन जो है सो जितना भी पढ़े लिखे सब क्वेश्चन में ही पता चलेगा। जी चलिए झारखंड की कुल, ठीक है, मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32। 33 इसमें 32 दिया हुआ है, 33 देखेंगे कौन नया वाला शामिल हुआ है। उड़ान में भी झारखंड की कितनी बत्तीस जनजातियां पर क्या उड़ान में भी 32 ही है। उड़ान में, उड़ान में जनजाति के बारे में लिखा उसे 32 संख्या है? जी कौन सा पुराने में पुरान हाँ 33 हो गया ना, पुरान ऐड हुआ है। एक जनजाति ऐड हुआ पुरान नाम है उसका, उसको मिला के 33 हो गया, ऐसा कहना है? पुरान में जनजाति की संख्या नहीं दिया हुआ है। बुक का नाम उड़ान है मेरे पास। उड़ान, हमको लगा पुरान में भूल रही है। अच्छा उड़ान एकदम से पुराने में जनजाति, ये तो इतना धीमा बोलती है। झारखंड की कितनी जनजातियां प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है? 24 24, ठीक है 24। झारखंड की 32 जनजातियों में से कितनी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं? तो 24 + 8 आठ 32, आठ ठीक है। झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति का है? अधिकांश, आसान क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलॉयड प्रोटो एस्ट्रलॉयड, ठीक है। प्रोटोस्ट्रेलिया झारखंड राज्य के गठन के समय कुल कितनी अनुसूचित जनजाति समुदाय में थे? 30 28 था, 2 को बाद में जोड़ा 30 गया, ठीक है, 2 को बाद में, अभी तो पढ़े हैं ना, 2 को बाद में जोड़ा गया था, 30 को था। झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जातियों का अनुसूचित जनजाति के संवर्ग में शामिल किया गया? कोल कोल और काबर, को, कावर, ठीक है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? संथाल, संथाल, संथाल का। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है, मतलब द्रविड़ का नहीं है? जीरो, कोरवा नहीं, कोरवा, कोरवा, जीरो, कोरवा। भाषा के आधार पर झारखंड की जातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्ग में। कितने वर्ग दो में? बार दो वर्ग में। अब आते हैं जनजातीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक, मुंडा और फिर द्रविड़ियन समूहों में विभाजित किया गया है। अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुटुक और ठीक है माल्टो भाषाएं आती है, बताइए क्या सही है? सभी सही सर है। सारे के सारे सही है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए? जंगल, आदिकाल में रहने वाले लोग आदिकाल में बिल्कुल, आदिकाल में रहने रहने वाले लोग को आदिवासी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे झारखंड की जनजाति में कितने आदिम जनजाति कहा जाता है, किसने आदिम जनजाति कहा है? हट्टन, हट्टन ने कहा, किसने कहा? हट्टन ने। बेंस ने झारखंड की जनजाति को किस नाम से प्रयोग किया? बेंस ने क्या बोला है? वन्य जाति, बन्ने वन्य जाति बोला। जाति, बेंस ने क्या बोला? बेंस ने बोला भाई साहब ये बन्ने जाति है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी समाज है? पितृसत्तात्मक, हाँ पितृसत्तात्मक, पितृसत्ता, दोनों मत मारिएगा, पितृसत्तात्मक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बहुत मेहनत से पढ़ा है, ये सब गलती मत की, सब आसान क्वेश्चन है। जनजाति के शब्द इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइए? लिंग भेद की इजाजत देता है। हाँ, इनके समाज लिंग भेद की इजाजत देता है, ये गलत है। इनका समाज अगर कहने के बदले भले ही लोग जंगल में रहते हैं, कितना उन्नत समाज है, नहीं, लिंग भेद की इजाजत नहीं देते। महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है, पुरुष का भी विवाह हो सकता है, महिला के यहाँ, महिला के यहाँ जा सकता है, मतलब जैसे कि जरूरत है बहू ही आई, दामाद भी जाएगा, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद दहेज की उल्टा देना पड़ता है, नहीं? जनजातीय समाज में इसमें संस्थागत दहेज रूप भी से, नहीं हाँ है, अब बाल विवाह भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। धूमकुरिया क्या है? धूमकुरिया, युवागिरी, युवा गिरी को युवागिरी, धूमकुरिया कहते हैं, ठीक है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? आसान क्वेश्चन, कृषि, वनोत्पाद नहीं कृषि, उसके बाद वनोत्पाद, ठीक है। भाषा के दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कुरेलियन समूह का है? सभी मुंडा भूमिज हो, सभी, मुंडा हो, भूमिज। झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी प्रथा है, बताइए? आसान गोत्र के क्वेश्चन, बाहर, हाँ, गोत्र गोत्र बही, के गोत्र बाहर, ठीक है, बाहर, समगोत्रीय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना किस व्यवस्था में उपस्थिति रहती है? गोत्र में, गोत्र बिल्कुल में ठीक है, ध्यान में रखें, गोत्र में। देखिए हम लोग ऐसा नहीं इसमें पढ़ा हुआ, हम लोग पहले कभी भी नहीं पढ़े, ठीक है, जी सर लेकिन फिर भी जब पूरा थीसिस पढ़ने के लिए बन जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, मतलब हो सकता है इजिली में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक माहौल, अकेले में पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बोरिंग टाइप लगेगा से क्या पढ़ रहा है, ठीक हम्म। है।
लेकिन ठीक है, मतलब ऊपर पूरा पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ रही है, अगर 2 बार 3 बार अगर पढ़ा जाए, अगर समय मिल जाए तो ठीक ठाक नंबर आ सकता है। हालांकि पेपर डिसाइडेड नहीं ना होता, ये जुड़ता नहीं नहीं ये जुड़ता है। है। जुड़ता है। अच्छा, तो पैसे नंबर लाना पड़ेगा। आप प्रीलिम पेपर वन पेपर वन भी दोनों 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 जुड़ता है, बीपीएससी वाला नहीं है। झारखंड की किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? पहाड़िया। पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता, ठीक है, ध्यान रखिए। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजातियों का सही क्रम? सौरिया, माल पहाड़िया, कोरवा, परहिया। सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा और ठीक है परहिया, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन है? कौन संस्थाली, संथाली। सा है, ध्यान रखें, तो कौन सी भाषा? संथाली। संख्या तो भी तो सबसे ज्यादा इनकी है। झारखंड की जनजातीय पूर्वता ठीक है बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य क्या है? आसान क्वेश्चन, समान मतलब गोत्र में गोत्र विवाह से नहीं बाहर, करना। गोत्र से बाहर मतलब समान गोत्र में नहीं करना है। मिलाइए, संस्थाल का पोन हो जाएगा, अब संथाल का मुंडा का हो पोन ठीक जाएगा, है, गुनोंग, गोनोंग, कंवर का हो जाएगा, सुखदास, सुखदाम, सुकदाम, किसान में क्या होता किसान था? का डाली, डाली। मतलब ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ये क्या है? बधु मूल्य है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड में किन जिलों के लिए किया गया है? असुर, सभी ध्यान में क्या, सभी जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है, रांची, लोहरदगा, ठीक है, गुबला, रांची। संविधान के अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? आसान क्वेश्चन, 342। 342, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया। सिंह बोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? तीनों में सभी सभी के सिंह बोंगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजाति के संथाल का स्थान कौन सा है? पहला संथाल सबसे बड़ा। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? संस्थाल परगना। संथाल परगना। आप चलते आगे, ठीक है। प्राजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोस्टलाइट। सब प्रोटोस्टलाइट में ही जाएगा। संथालों के किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? बी, बी। सब में भी पाया जाएगा। संथाल परगना के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व क्या कहलाते थे? ये खरवार, खरवार कहलाते खरवार, थे। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12। 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल समाज में कितने कितने हडो मतलब वर्ण में विभक्त थे, क्या बताएंगे? चार, चार में चार। है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चार हडो, ठीक है, किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड, मरुंडी हट में है? संथाल, संथाल, संथाल। ध्यान रखें, संथाल, ठीक है। तो मारंडी और मतलब ठीक है सोरेन दोनों तो मुख्यमंत्री बन गया झारखंड का। संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संथाले से आते थे। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी यह अंतर विवाह प्रजाति है, ठीक है, समगोत्री विवाह वर्जित है, इनमें प्राय एक विवाह की प्रथा है, ठीक है, ध्यान रखें, सबके सब सही है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन? बाबूलाल बाबूलाल मरांडी। मरांडी। संथालों के बीच एक प्रकार की परिवार पाए जाते हैं, कौन सा परिवार है संथाल में? दोनों है, सही, एकल संयुक्त। संयुक्त भी है, एकल भी है, ठीक है। संथाल परगना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोई जायदाद नहीं मिल सकता पुत्र को, बिल्कुल ठीक है, विधवा ध्यान को। रखेंगे। तो यहाँ पे पुत्रों कोई पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता, ये गलत है, ठीक है। बाकी समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति है। संथाल परिवार पितृसात्मक, पितृवंशीय, पित स्थानीय होता है, परिवार का प्रधान पिता होता है। संथाल समाज कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? ठीक दो है, दो प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ठीक चाचू है, चाचो छठिया, छतियार, ठीक है। संथालों के चाचू विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जीजाशादी विवाह, जीजा देवर भौजाई विवाह की मानता है, विधवा विवाह भी शादी प्रचलित है, इनमें तलाक सत्य। की प्रथा पाई जाती है, ठीक है, सही है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? 8 प्रकार, 8 प्रकार का, ठीक है। गोत्र कितना था इसमें? गोत्र 12, ठीक बारह है। बारह संथालों गोत्र। में विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में विवाह को क्या बोलते हैं? बापला, 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 ठीक है। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल, संथाल, हाँ, बापला लगेगा तो संथाल। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, ठीक है, इतुई, संथाल। निर्बोलोक, टुनकी डिपिला, बापला, घर दी जवाई, शंका विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? सबके सब संथाल में। संथाल संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? किरिंग बापला,
किरिंग किरिंग बापला। बापला, ठीक है। किरिंग बापला का संवरण इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता, बिल्कुल। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पोन दिया जाता, पोन जो होता है अच्छा बधुमूल, ठीक है, बधुमूल को बोलते हैं ना। तभी हो बारात में खाने जाए। पीने का खर्च, वर पक्ष, बाप रे बाप, वर पक्ष ही खाने पीने का खर्च बहन सही देगा, है। ठीक है। काफी उन्नत है ये लोग, सीखना चाहिए समाज के लोग को इनसे। हम नहीं चाहते एक पक्ष के ऊपर जाए, 50-50 कर लो ना। क्या निम्न कौन सा सही है, विवाह, ठीक है, विधवा परित्याग का विवाह है? विधवा संगा परित्यक्ता का विवाह है, बताइए, ठीक है। देखिए, समाज की मानसिकता ऐसी हो गई ना, सिर्फ चाहते हुए भी दहेज लेने से मना नहीं कर सकते। समाज का मोनोपोली क्या है? जिसको दहेज नहीं मिला है ना, तो उसमें कुछ दोष है, ठीक है। मतलब उसमें उसका वो उसका कैपेबिलिटी नहीं है लेने का, मतलब समाज में लोग इस तरह से दहेज लेता है लोग। कोई नहीं लेना चाहे ना, तो समाज में उसको हेड डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है, इसको मिला क्यों नहीं। तो कुछ लोग मजबूरी लड़की वश भी वाले भी लेते अगर आप हैं। नहीं देते हैं तो लड़की वाले भी अपनी तरफ से दे ही हाँ देते हैं। हाँ दे ही देता है ऐसे, मतलब एक एक ऐसा मोनोपोली बना रहे, हमारे आगे चल के बेटी को मतलब वो करेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ताना देगा, फ्री में शादी की है, इसीलिए भी। तो ये एक खत्म गवर्नमेंट ला करना चाहे, लेकिन जब तक समाज नहीं कोशिश करेगा, लोग नहीं, तब तक नहीं समाप्त हो सकता है। एक दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ गया है। संथालों में करे विवाह को क्या कहा जाता है, ठीक गोलाई थी, सदाई है, क्या सदाई 50 का बापला, आंसर है? सदाई बापला, सदाई बापला, ठीक सदाई है, करे बापला, विवाह को सदाई बापला। संथाल में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? गोलाई थी बापला, इसे बदलते हैं क्या लड़का लड़की गोलाई को? मेरा लड़की को तुम ले लो, तुम अपने लड़की से मेरे लड़का को, लड़का से लड़की को, ऐसा होता होगा क्या? हाँ गोलाइती ऐसा ही बैपला, हो, सही गोलाइती, हाँ सर अच्छा। वैसा ही होता है। बिल्कुल मतलब ये दोनों तरफ से एक एक बेटी गया, दोनों तरफ से एक एक बेटा है, नहीं सही है ये भी। विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सांगा बापला, देखिए, सांगा बापला, ठीक है, और संगाई इसे तो संगाई कहते हैं। विधवा के साथ विवाह को लोग क्या कहते हैं, पढ़े ना हम लोग, संगाई। संगाई सांगा। अब उसके साथ देवर के साथ होता है तो उसको नियोग, ठीक है, और जब सबके मर्जी से होता है तो आयोजित। मतलब ठीक ठाक लग रहा है पढ़ने, मतलब याद हो जा रहा है, मतलब दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ये सब, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रिकॉर्डिंग लगवा दो। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, दोबारा लगाए क्या? बंद कर, दोबारा लगाए तो बंद हो जाएगा। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह को घर दी जवाई बापला, दवाई बात घाट दी जवाई। रिकॉर्डिंग लगाने के लिए बोली थी कि बंद करने के लिए बोली थी? अच्छा, लगाने बोलते हैं। वो लगा देते हम शुरू में। संथालों में हथ विवाह को किस नाम से जाना जा रहा है? हथ विवाह को निर्बोलक इसमें क्या बापला, होता है पता है? हथ विवाह में लड़की लड़का के यहाँ चली जाती है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक वहां बैठी रहती है, इसको हथ विवाह कहते हैं, ठीक है। इसको निर्वो लोक बापला कहते हैं, इसको हठ विवाह कहते हैं, ठीक है, मतलब विवाह करना ही पड़ता है। इतुत विवाह क्या होता है? यह सब प्रेम सही है। प्रसंग के फलस्वरूप होता है, माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है, माझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है, समझ रहे हैं ना। तो जुर्माना देने के बाद ही विवाह होता है, इतुत विवाह। अब आते हैं संथालों में, ठीक है, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला बधुमूल को क्या बोलते हैं? तभी तो हो गया ना, पर अभी पोन फोन बोलते हैं। निम्न से करते कौन सा कथन असत्य है? मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं। संथालों में शव जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा विद्यमान है। शव को नदी नाले के किनारे स्थित श्मशान में जलाया जाता है। बताइए, संथालों को मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, तो ये तो गलत लग रहा है देखने दी से ही। भाई दी साहब, जलाएंगे तो मुखाग्नि तो देना ही पड़ेगा ना, तो दोनों प्रथा है, ठीक है। संथालों का सर्वोच्च सिंह देवता कौन है? बोंगा, जब यहाँ पे सिद्धू कानू ने जब विद्रोह को जो फैलाया था तो क्या बोला था, हमारे सपना में ठाकुर आए थे, ठीक है, सिंह बोंगा बोला से ब्रिटिश को भगाओ यहाँ से, तभी जाके स्वराज मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था हमारे सपना में आए थे सिंह बोंगा, 1805 में आपको मिला था। और दूसरा देवता, प्रमुख देवता कौन है? तभी जस्ट मरांग मरांग गुरु। गुरु, सिंह बोंगा को ही ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को ठाकुर जी कहते हैं। आगे चले, संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? जाहिर जाहेर हीरा, एरा, ठीक है। संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों का है, ठीक है, जाहेर थान होता है, ठीक जाहिर है, हीरा, जाहेर एरा, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम 17 को अगर होता है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव है ना, 1000-2000 जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा करवा देंगे, ठीक है, अगर बीच में अगर हो गया तो, ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम लोग पूरा किताब पढ़ के 2-3 बार याद कर ही जाएंगे।
ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बीच में अगर एग्जाम होता है तो यही सब रटना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तो हो जाएगा ना सर, एक बार तो हो ही जाएगा। चांसेस तो हो जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से घींच रहे उसी हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका लगभग 60-70 पेज तक तो हो चुका है। ठीक है, संथाल संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है बताइए। ठाकुर जी को माना जाता है। ठीक है, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पूजा करते हैं। देवी दुर्गा को, जाहेर एरा को। ठीक है, जाहेर जाहेर एरा, ऊपर में भी जाहेर एरा से क्या प्रश्न था। ठीक है, मतलब संथालों ने किस देवता का निवास छाल साल के वृक्ष में होता है, तो जाहेर थान कहते हैं जिसको, मतलब जाहेर जहां पे निवास करते हैं, जाहेर एरा इन्हीं को कहा जाता है, देवी दुर्गा होती है। संथालों का गृह देवता कौन है तो क्या बताएंगे, ओरंग बोंगा, ओरक बोंगा। ठीक है, संथालों का कुल देवता का नाम बताइए। अबगे ठीक है, अबगे आबगे बोंगा। बोंगा। ठीक है, ध्यान रखें, संथाल गांव का। ठीक है, धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है, नाइक माइक नायक। ठीक, 66 का आंसर लिया सी, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान की बात हो रहा है, नायक। सफाहोर संप्रदाय का, ठीक है, संबंध किस जनजाति सफाहोर से। ठीक संथाल है, संथाल से। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है, बोंगा होड़ बोंगा बोंगा होर। क्या बोलते हैं इनको, बोंगा होर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, संथाल ग्राम का प्रधान कौन होता माझी होड़। है, अब माझी माझी हो गया। ठीक माझी है, संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है। माझी थान माझी थान ठीक है, माझी थान में। ठीक है, जो कि माझी का निवास स्थान होता है। संथालों के युवाओं का नैतिक शिक्षा को क्या बोलते हैं, जो जोग माझी माझी। जोग माझी विठला के समय में कौन सा कथन सदी, ये सबसे कठोर दंड होता है पता है, सही एक तरह का है सामाजिक बहिष्कार है, कब गलत काम करेंगे सही यौन अपराध के लिए दंड दिया जाता है। ठीक है, और सबसे है आसान सही दंड है को कौन सा दंड बोलते हैं, करेला। कौन सा बोलते हैं, करेला करेला। ये करेला 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का फाइन है। और सबसे कठिन दंड जो होता है बिठला के समाज से ही, मतलब क्या किया जाता था, बहिष्कार किया जाता, लगभग सारे आदिवासी समुदाय में ये दंड है। ठीक है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है, संथालों के पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है, संथालों के सही त्योहार का प्रारंभ आषाढ़ महीने में होता है, है बाहा बाव सोहराई। ठीक है, एलोक सरहुल, ये सब क्या होता है इसी का, सोहराई जो होता है फसल कटने पे सोहराई मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सोहराई पर किस माह में मनाया जाता है, पौष में। और सोहराई पर्व पांच कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5 दिन तक। और संथालों दिन का प्रिय त्योहार क्या होता है, कब मनाते सोहराई, फसल के फसल कटने पे, अभी कटने जस्ट के ऊपर बाद बताया, फसल के कटने पे सोहराई मनते हैं। ठीक है, 5 दिन तक मनाते हैं। पौष, पौष कौन महीना होता है, पूष को बोलते हैं पौष क्या, पूष पूष पूछ। पूष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एरोक पर्व कब मनाते हैं, ये फसल शायद किसमें था, अषाढ़ में, एरोक असार में कब मनाते हैं, अषाढ़ ध्यान में रखेंगे, तो एरोक जो था असार में अषाढ़ मनाते हैं। हरिया पर्व किस माह में मनाया, हरियार, हरियार पर्व किस माह में मनाते हैं, हरियार, सावन नामे से पता चल हरियाली रहा है, श्रावण में, हरियाली वाला। बाहावा पर्व किस माह में मनाते हैं, बाहावा, फागुन में फागुन पानी में। को बहाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, फूल फूल। ठीक है, संथालों का कौन बाहा सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान है। ठीक है, तो बाहावा, ठीक है, जो कि बाहा फूल का त्योहार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अब आगे चलते हैं। इधर बाहा फल कितने दिन का होता है, बाहा फल। ठीक है, बाहा फल पहले दिन का नाम क्या है, सॉरी उम नाम है, क्या नाम है, उम। माघ, माघ सिम पर्व किस माह में मनाया जाता है, वैसे तो माघ में ही मनाएंगे ना, भादो सा है, माघ में भादो मनाएंगे, नामे लिखा हुआ, माघ सिम बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे क्या होता है, माघ बिहू, असम पर्व के नाम में लगा हुआ तो उसी माह में मनाएंगे। ठीक शुभ है, महीना फिर शाप यही माना जाता माघ ही। सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पे कौन सा पर्व मनाया जाता है, हरियाल हरियाली सिंह सिंह हरिया सिंह। ठीक है, संथालों में कितने राग पाए जाते हैं, ठीक है, 10 राग। दस ठीक है, दस राग। दस ठीक है, 10 राग का युद्ध हुआ था, 10 राग का युद्ध। संथाल में राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक संथाल गांव में एक ये पंचायत राग होती किस है। चीज से रिलेटेड है, नहीं समझ रहा। दस राग, राग राग मतलब स्वर। अच्छा, गाने से रिलेटेड, ठीक है, पंचायत का मुखिया माझी कहलाता है, माझी का सहायक जोग माझी कहलाता है, सारे के सारे सही है। ठीक है, अगर माझी का ठीक अगर उपस्थित हो, इसका कार्य कौन संपादित करता है, तो सहायक जो होगा वही करेगा ना, है। प्रमाणिक। ठीक है, बुराई ध्यान रखें, पर
माझी की, लेकिन नहीं, या माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन समझ प्रमाणिक दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि माझी का सहायक जोग माझी होता है, ठीक है, लेकिन उसका कार्य को संभालता है प्रमाणिक दिया हुआ। 1 मिनट, 87 का ये लिया है। हाँ, संथाल परगना का संदेश वाहक कौन होता है? अब आया, संदेश वाहक को क्या गुराइट बोलते हैं? इसको गुराइट गुराइट बोलते हैं, ठीक है, ये संदेश वाहक होता है। अब परगना का प्रधान कौन होता है? ठीक परगनेट है, यह परगनेत परगनेत होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संथाल जनजाति के लोग भाषा कौन सा बोलते हैं? कौन सा भाषा बोलते हैं? रसानी संथाली है, संथाल भाषा बोलते हैं संथाल। या, ये भाषा आपको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है ना। एकमात्र आदिवासी भाषा जो शामिल है, कब शामिल किया गया था? 2003 2003 में, अब 92 राइट संविधान या संशोधन, गलत 92 था ना, या 92 ठीक है, ध्यान रखते नाइनटी हैं। निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? तो इसी का लिपि ओलचिकी है, ठीक टू है, संथाल का। संथाल ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ये भी पढ़ाया था, रघुनाथ, रघुनाथ मुर्मू हाँ रघुनाथ, ये इंपोर्टेंट मुर्मू क्वेश्चन है, ध्यान में, रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अब किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 92 नाइनटी नाइनटी तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर सोमा क्यों लिया भाई? गलती दिए होगा, गलत है, ठीक है। किस संविधान संशोधन संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, कुछ कुछ गलत भी होगा ये तो पता चल जाता है, और कुछ होगा तो पता भी नहीं चलेगा। संथाल में लोक कथाओं का अधिकतर पात्र होते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है अधिकतर पात्र लोक कथा में? तो पशु 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 होता है, ठीक है। संथाल में हेम्ब्रेम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या पान पत्ता पान है? पान ध्यान में रखें, क्या होगा तो ध्यान रखें, पान का पत्ता। अब चलेंगे आगे, बताइए, ठीक है, निम्न से कौन सा गोत्र चिन्ह, ठीक है, हंसदा जनजाति का जंगली है? हंस जंगली हंस ठीक है, सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? सुअर है क्या? पंछी पक्षी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किसका गोत्र चिन्ह माडरा घास है? मरांडी मरांडी का। बेसरा मात्रा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बाज मिलता जुलता है, बाज का पक्षी। सब मिलता अब जुलता बास है, के, हो जाएगा बास्का के गोत्र चिन्ह क्या है? बास्का का, इसका नाग सांप है, ठीक है, ध्यान नाग रखिएगा, ठीक है। होना हाँ, बासुकीनाथ जो होता था, बासुकी, बासुकी जो था नाग के राजा को बोलते थे, किसके बोलते थे? बासुकीनाथ। अभी जाइएगा, बासुकी जो है सो नाग का राजा होता है, ठीक है। बासुकी गोत्र का बात करेंगे, नाग सांप हो जाएगा। बेसरा जनजाति की बात करेंगे, बांज पंछी हो बास जाएगा, ठीक है। माडरा घास की बात करेंगे तो मरांडी का हो जाएगा, और सोरेन जनजाति का गोत्र क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा, और बात के हांसदा का क्या हो जाएगा? तो जंगली हंस हो जाएगा, ठीक है, हंस याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनके लिपि का फाउंडर कौन था? ठीक है, संथाली लिपि जो था उसका रघुनाथ मतलब, लिपि को पहले बोलते क्या थे? क्या बोलते? मुर्मू ओलचिकी बोलते हैं, बिल्कुल। और लिपि को क्या बोलते हैं? रघुनाथ ओलचिकी। हाँ, ओलचिकी के फाउंडर कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, मुर्मू ठीक है। भाषा क्या है इनकी? तो भाषा की बात करेंगे संथाली। और परगना का प्रधान को क्या परगनेत बोलते हैं? परगनैत बोलते हैं। परगनेत और संथाल का संदेश वाहक कौन होता है? ध्यान रखिए, पौरोहित होता है, ठीक है। गोराइट हाँ, गोराइट गोराइट, गोराइट, सॉरी, गोराइट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्वेश्चन कीजिएगा, मजा आ रहा है, और करवा दे, करवाइए, कोई जो दिक्कत कल नहीं केवल है। क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, कल केवल क्वेश्चन ही होगा, 400 के आसपास क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक सर है, तो कौन कल सा केवल बुक आपका से क्वेश्चन। करवाए हैं? ये करवाया है आपका, इससे झारखंड के दुकान पे गए तो बहुत सारे किताब देखे, मुझे सबसे बढ़िया यही मिला, और इसकी बहुत अधिक कोचिंग वगैरह भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ पर भी है, शिवांगन पब्लिकेशन की है, ठीक है। पतंजलि आईएएस का नाम सुने अच्छा, हैं? पतंजलि आईएएस सुने उसी का है, इस ठीक है, किताब का ये सर एक सब। खासियत है ना, ऑब्जेक्टिव से ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा। हाँ, इसीलिए मैंने इस किताब को चुनने के पीछे मेरा 3 रीजन, एक तो पहले डिटेल्स में दिया हुआ है, उसके बाद वन लाइनर करके दे दिया है, और उसके बाद फिर सारा ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला चलो ठीक है, ये बेहतर रहेगा। बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सारे डेट लोगों से लगाने की पूछने के बाद जरूरत ही नहीं सबने पड़ेगी हम लोगों इसी को। को पीला, मिल नहीं रहा था जल्दी, तो यहाँ पे रांची में एक जगह है, क्या नाम है उसका, कोई बाजार है, वो अपर बाजार की, सफर बाजार ऐसे ही करके है, अपर बाजार है अपर सर, बाजार, वहां से लाए थे शहीद इसकी, ठीक है, चौक वहां पे मिलता वहीं से लेकर आए थे। दुकान। पौरिया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है बताइए? पौरिया का गोत्र चिन्ह क्या कौआ है? इसका कबूतर कबूतर है, नहीं, कबूतर, कबूतर, कबूतर पी फॉर पीजन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और चुंदे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है?
छिपकली है, ठीक है। संथाल छिपकली है महिलाओं के निर्णय से कहाँ जाना निषिद्ध होता, कहाँ वो नहीं जा सकती है, ठीक है। मांझी तो माझी थाना। थान में नहीं जाते, बस संथाल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि संथाल महिलाओं को सभा में अनुमति नहीं है उपस्थित होने का, लेकिन उराव की महिलाएं सभा में उपस्थित हो सकती है, ठीक है। इसीलिए उराव जनजाति जो था अन्य जनजाति के कंपेयर में थोड़ा हाईटेक है, ठीक है। उराव की महिलाएं जो थी सभा में जा सकती है। माझी थान कहाँ था, माझी जो था गाँव का प्रमुख था, वहां पर जो सभा जो होती है उसमें संथाल महिलाएं उपस्थित नहीं हो सकती है। जादू पटिया एक चित्रकला है, ठीक है। किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है जादू पटिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जादू संथाल पटिया का संथाल की है, ठीक है। संथाल, संथाल निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज मान्यताओं को उकेरती है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है जादू एग्जाम में पटिया, हूबहू। जादू जादू पटिया, ठीक है। पट्टी। जादू पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है, जादू या फिर पाटिया, क्या बोलते जादू हैं इनको, क्या जादू जादू बोलते हैं जादू चित्रकार को, क्या बोलते हैं जादू जादू चित्रकार, चित्रकार जादूगर, उसे समझिए। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, उराव बिल्कुल ध्यान में, उराव, ठीक है। पहली सबसे मुंडा बड़ी संथाली, दूसरी उराव और तीसरा सबसे बड़ी मुंडा होगी, ठीक है, इसे आप याद चौथा रखेंगे। हो हाँ, चौथा हो जाएगा, ठीक है। उराव जनजाति की भाषा में प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के है बताइए। प्रोटोस्टोर द्रविड़ स्टोर नहीं, द्रविड़ उराव अलग है, उराव द्रविड़ है, बाकी यही तो अलग है, बाकी द्रविड़ सब एक ही में आता है, सब प्रोटोस्टोर है, लेकिन उराव नहीं होगा, ठीक है। उराव जनजाति का मूल निवास कहाँ पे है, हमें बताया था हम लोग, महाराष्ट्र के कोंकण से आती थी, कहाँ से आती महाराष्ट्र थी, कोंकण, ठीक कोंकण है। संथाल का मूल निवास अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उराव का क्या हो जाएगा, कोंकण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में। इसका केवल है ना प्रोटोस्टेरॉइड सब में होगा, लेकिन उराव में प्रोटोस्टेरॉइड नहीं होगा, ड्रोवियन थे, ठीक है, ध्यान रखे, बाकी सब में आपको प्रोटोस्टेरॉइड प्रोटोस्टेरॉइड ही करना है। उराव के झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ, शेरशाह शेरशाह के शासनकाल में। उराव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, उराव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कुडुख बोलते हैं, को कुडुख कहते हैं, ठीक है। उराव को तो उराव का औसत कद कितना होता है, 162.1 सेंटीमीटर, 162.1 सेंटीमीटर, मतलब काफी कम हो गया कि ज्यादा हुआ ये, 5 फीट 5 कम हुआ ना, हाँ 5 फीट 5 फीट से ज्यादा। तो 30 पंचे 150, ये एवरेज एवरेज कभी भी अच्छा है ना, एक तरह देखा जाए तो ऊपर ही होगा। हाँ ठीक है, 5 से ज्यादा ही हो गया, 30 पॉइंट समथिंग होता है ना एक फीट में, 30 पॉइंट समथिंग। उराव किस वर्ग के रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, तो बी तो उसमें भी, बी ओवरऑल सारे में आपको बी ही मिलेगा, ठीक है। कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुडुक मनुष्य मनुष्य, ठीक है। कुडुक किनको बोलते थे, तो उराव खुद को, मतलब आपसी भाषा में क्या बोलते थे, कुडुक बोलते थे, ठीक है। वह मानव शास्त्री जिसे 1915 में दो उराव और छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उनका नाम क्या है, शरत चंद्र राय शरद चंद्र राय, ठीक है। उराव का प्रिय पी क्या है, क्या पीते हैं ये लोग, हड़िया हरिया, सबका हड़िया वही हरिया होगा। हरिया क्या चीज का बनाते हैं, जस्ट लाइक हमारे यहाँ जो चावल सब से वैदिक काल में देखोगे तो सोमरस पीते थे, क्या पीते थे, सोमरस पीते थे, जो कि मतलब एक पर्वत का, मतलब पर्वत से मतलब मुख्यतः उनको लाया जाता था, विशेष प्रकार के वृक्ष से, ठीक है। तो ये क्या थे, जौ से भी बनाते थे सोमरस को, तो ये लोग चावल से हरिया बनाते थे, ठीक है, ये लोग महुआ ध्यान से भी रखना। बनाते हैं बहुत दिया महुआ से है। बनाते, बिल्कुल, महुआ के सीजन में हम कोडरमा में काम करवाए थे ना एक बार, मिलता ही नहीं था सब, ठीक है, मतलब सवेरे सवेरे महुआ बिकने चला जाता था, और सब आएगा दोपहर में आएगा, ठीक है। लगभग ऐसा प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 महीना चला, मतलब कोई आपको घर में नहीं देखा, महुआ बिकना इनका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। ये लोग दो काम करते थे, महुआ पकड़ पीसते थे, और दूसरी बात वो अवरक निकालते थे जमीन से, मतलब कहाँ जाते हैं आप लोग सवेरे सवेरे, तो बोलता था काम पे, तो कहाँ, तो बोलता था अवरक लाने, आपका उसमें कहां से, कहीं से भी ले सकते, कहां कहीं से भी, इसको काम नहीं बोलते, चोरी है ये, ठीक है, इसको काम समझ के ना चले, ये चोरी है आपका, ठीक है, सरकार का अवरक चुरा रहा है। आप बहुत बढ़िया पैसा कमाता था, मतलब दिन भर में 20 किलो 25 किलो निकाल लिया, 16 रुपये के हिसाब से बेच देता था, मतलब फ्री में, कहीं भी कौन दिया, पुलिस वगैरह भी कुछ सर करती नहीं थी कोयला उन लोगों देखे कि को। नहीं, साइकिल को धोता है सब, कितना लेके है। हाँ, लेकिन झारखंड, हम कोडरमा में रहे बहुत दिन, तो वहां पे तो केवल ये लोग वही बेचता था, क्या बोलते इसको, वही अबरक को, रखो वहां अधिक मात्रा में हाँ, होता है। खूब अबरक बहुत बेचता था ये लोग, ठीक है। अब बोलता था 25 केजी टारगेट ये लोग का रहता था एक दिन में, ठीक है, और सबके सब ये लोग इसको ना एकदम प्राउडली बोलता था, सब काम है इनका ये, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्राउडली कहने का रीजन क्या है, भले ही सरकार किसी भी चीज का अधिग्रहण कर ले, जनजातीय लोगों का अभी भी जंगली क्षेत्र में अपना अधिकार मानते हैं,
ठीक है, तो जंगल का संसाधन इनका संसाधन है, इसलिए अपना अधिकार ये मानते हैं, इसलिए लाख मना करने के बाद भी ये लोग अपना काम करते हैं, पुलिस वगैरह भी नहीं रोकती थी इन लोगों को, हमने इस चीज को अनुभव किया वहां पर। तो निम्न से किस प्रकार के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है, किसी का मांस नहीं कर बंदर सकते, का, ठीक है, बंदर का मांस खाना नहीं है, ठीक बंदर है, ध्यान रहेगा। उधर हम लोग पढ़ रहे थे एक पहाड़िया जनजाति थी, ठीक है, माल पहाड़िया, उसमें गौ मांस खाना वर्जित था, ठीक है। अब चलेंगे उराव जनजाति के त्योहारों में अक्सर फूलों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? अरे यार, क्रिया सॉरी, फूलों क्रिया बोल रहे हैं, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वस्त्र को क्रिया कहते थे, ध्यान में रखेंगे। और उराव जनजाति महिलाओं जो वस्त्र को पहनती थी उसको क्या बोलते थे? उनको खनरिया बोलते थे। तो खनरिया, कराया अरे क्रिया पुरुष पहनते हैं, महिलाएं क्या पहनती खनरिया, है? तो ध्यान में रखें, खनरिया पहनती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सब ऑलरेडी सब्जेक्ट में करवाया जा चुका है। मरने पे गहने उतार लिए जाते थे, पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ सा जाता था, यह कहावत किस जनजाति में है? तो उराव इन लोगों का मानना था कि जनजाति, मरने के बाद अगर स्वर्ग या नरक में मिलेंगे ना, तो क्या होगा? स्वर्ग नरक में मिलने के बाद ये जो होगा ना, क्या बोलते हैं, गोदना जो होगा क्या होगा, पहचान पहचान का कारण होगा, इसलिए गोदना करवाते थे, ठीक है। उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उड़ुक उड़ुक कुडुक भाषा बोलती है, ठीक है। कुडुक अपने आप को कहते भी थे, कुडुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, ठीक है। कुडुक भाषा का संबंध मनुष्य, किस भाषा परिवार से? कुडुक का द्रविड़ द्रविड़ पुरा है, द्रविड़ लैंग्वेज है, ठीक है। ये द्रवियन है भी, ठीक है, क्या है, द्रवियन भी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट में नहीं आएंगे, द्रवियन में आएंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे आप लोग। अब आगे चलेंगे तो उराव जनजाति लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती है? तो दक्षिण ये दक्षिणी छोटा सिद्धांत नागपुर में है। उराव जनजाति का मुख्य छोटा पेशा क्या है? क्या है मुख्य पेशा इनका? तो कृषि कृषि एग्रीकल्चर, कृषि। किसी भी जनजाति का मुख्य कृषि पेशा कृषि ही होगा, दूसरा जो होगा उनका वन उत्पाद होगा, ठीक है। पशु हालांकि वन उत्पाद उनका आदि। जीवन 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 का पेशा होगा, ठीक है, लेकिन मुख्य पेशा क्या होगा जो इनमें इनकी दिनचर्या होगा? वन उत्पाद में इनकी कोई दिनचर्या नहीं है, स्वतः लगा हुआ चीज, जबकि कृषि करते थे और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता था उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी पाई जाती थी, ठीक है। उराव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए? सभी सही है, सारे के सारे उतार जी उसके बहुत बाद के सही है, एक ही अधिकांशता जगह दे दिया है, एक ही का। अधिकांशता परिवार एकल होता था। उराव परिवार पितृसात्मक का पितृवंशी होता सारे के साथ। उराव के प्रधान का मुखिया कौन होता था? महत्व महतो, ठीक है, महतो बोलते थे। उराव लोगों का धर्म प्रधान पुजारी को क्या बोलते थे? सब में कॉमन ही मिलेगा, एक तरह से देखेंगे तो पाहन होंगे, ठीक है, पाहन पाहन या फिर पहना बोलते थे, ठीक है, ठीक है। उराव लोगों का मुख्य पूजा मतलब पूजा स्थल को किस नाम से कर्म जानते का हैं? हाँ, शर्मा लगभग जगह पे ये भी आपको कॉमन ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान में शर्मा क्या बोलते थे, तो इसको सरना बोलते थे, ठीक है। उराव लोगों के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? बिल्कुल ठीक है, ध्यान शासन रखे कहाँ पे है, ध्यान रखे शासन में, ठीक है। उराव का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहते थे? कुंडी बिल्कुल कुंडी बोलते थे, कुंडी ठीक है। उरावों में अस्थियों को दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता था? हाड़बोरा उसको हार बोरा कहते थे, ठीक है। हार बोरा समारोह साल में कितनी बार होता था? ठीक है, एक एक बार होता था, हाल में एक बार ही होता था, ठीक है। धुमकुरिया की जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया, ठीक है, उराव का है, ठीक है, बार ध्यान रखेंगे। धुमकुरिया की वस्तुता क्या है, क्या होता था धुमकुरिया? एक तरह का प्रशिक्षण प्रशिक्षण, केंद्र सारे जनजाति जनजाति का अपना प्रशिक्षण केंद्र होगा, क्योंकि जनजाति समाज अपना रक्षा खुद करेगी, ठीक है, इसलिए अपने युवा वगैरह को सबको तैयार करते, इसमें महिला भी होते थे पुरुष भी होते थे, महिला के लिए अलग था पुरुष के लिए अलग था। जैसे बहुत जगह पे शब्दों के लिए गराउट कौन था मिलता था? गेराउट था गराउट ना। 300। ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। घुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता था? 3 बरस, 3 वर्षों में एक बार, ठीक है, मतलब आई थिंक 3 साल तक, मतलब क्या करते हैं, ट्रेन करते थे, 3 साल के बाद वो निकल गया तो फिर नए लोगों को शामिल किया जाता था। यूको का घुमकुरिया किस नाम से जाना जाता है? यूको का बताइएगा, मेल का जोक एरेपा। युवती का किस नाम से जोक जानते थे? युवतियों का पेलेरपा, पेल एरपा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जोक एरेपा को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ढांगर ढांगर कुरिया, ठीक है। निम्न में से किसके ढांगर मुखिया को महतो या फिर ढांगर कहा जाता था? ये जोक एरपा का, जोक एरपा कुरिया, किसका था? जोक जोक एरपा, तो जोक एरपा जो था मेल का था, ठीक है, मेल को एरपा ढांगर कुरिया भी कहते थे, और इसके मुखिया जो होता था, जो इसको चलाने के काम करता, जो ट्रेनर जो था, उसको पेल महतो या फिर ढांगर के नाम से जानते थे। अब पेल एरपा की बात करेंगे, देखभाल को महिला करती थी, क्योंकि महिलाओं के लिए था, और बड़की इसको मतलब क्या बड़की बोलते थे? बड़की ढांगरीन कहते थे, ठीक है, बड़की बड़की ढांगर, तो यानी यहाँ पे सीधे क्या था, ढांगर था, ठीक है। घुमकुरिया में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें
प्रवेश लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र में होता था। इनमें सही है। प्रायः सरहुल के समय होता है। इनमें प्रवेश पाने वाले लोग अच्छा विवाह के पूर्व तथा इनके सदस्य रहते हैं। विवाह के पूर्व तक, ठीक है, लड़के एवं लड़कियां के लिए एक ही घूम क्रिया होता था, गलत है, अलग अलग था ना। और विवाह होने से पहले अच्छा तक लोग इनके सदस्य रहते थे। सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार इसमें प्रवेश मिलता था। और उम्र सीमा की बात करेंगे तो 10 से 11 वर्ष की उम्र सीमा थी। उराव जनजाति के नाच के मैदान को किस नाम से जानते हैं? अखाड़ा। अखरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अखरा, अखरा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह उराव की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, सही है। ये प्राय गांव के बीच नाच का मैदान होता है, ये भी सही है। पर्व त्योहार में महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पे, ठीक है, दिन भर नाच गान चलता रहता था, ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर चलिए करेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न कौन सा नृत्य उराव का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है उनका? जदुर जदुर नृत्य। कौन से नृत्य है? जदुर। जदुर नृत्य जो है सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे, ठीक है। उराव जनजाति के पिता तथा उनके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते थे, तो वो कौन सा है? मतलब पिता, उराव जनजाति में पिता तथा उनके सभी भाई को एक ही शब्द से, मतलब चाचा को भी वही बोलते थे सेम, क्या बोलते थे उनको? बाबू क्या बोलते हैं बाबू बताइए? बा बोलते हैं, बा बाबू नहीं बोलते हैं, बा बा, ठीक है, बाबू नहीं, ठीक है। उरावों के विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, बताइए? इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। नंबर जितने भी समुदाय जो है, ठीक है, जितने भी जनजाति समुदाय, सब में विधवा विवाह का प्रचलन आपको देखने को मिलता था। सब में बही गोत्र, मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना है, सम जाति गोत्र में विवाह वर्जित, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विधवा विवाह भी था, और बाल विवाह ज्यादातर में नहीं देखा गया है, ठीक है, सालागी संथाल में था बाल विवाह। उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह का मतलब क्या बोलते हैं? ऐसा विवाह जो कि माता पिता के मर्जी से हो, उसको आयोजित विवाह मर्जी कहते से हैं, हो। ठीक है। एक विवाह था, कौन सा विवाह था? एक विवाह का नाम था राजी आपका राजी खुशी। राजी खुशी विवाह कैसा होता खुशी प्रेम था? जो भाग कर भाग के विवाह करने वालों को राजी खुशी कहते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा विवाह उराव जनजाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा नहीं है? आंधी विवाह, करते ठीक है, आंधी विवाह नहीं प्रचलित है, ठीक है, बाकी सारे विवाह प्रचलित हैं। उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन था? वो सोम ठीक है, धर्मेश, 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 धर्मेश। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए? यह उरावों का मुख्य देवता सभी है, शिंग बोंगा या फिर सूर्य का प्रतीक है, धरती माता इनकी सही है। दंपति मानी जाती है, ठीक है, तो सही है, ठीक है, सभी मतलब सही सारे है के सारे सब। सही है, ठीक है। ऑल एस्ट, बाकी जो कितने 300 प्रश्न था के कल के क्लासेस में होंगे, बाकी 150 हो गया। ये 32 गो जनजाति का जो डिटेल्स में जो आपको जो दिया हुआ है, एक बार मौका मिले तो पढ़िए, और नहीं अगर मौका मन करता है तो कम से कम एक एक लाइन कराया गया है, सबको आप लोग सुनेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल्स में ऊपर में कराया गया, फिर आपको प्रश्न कराया जा रहा है ताकि चीजें आपकी याद हो, ठीक है। पूरा का पूरा झारखंड के 3200 जनजाति को डिटेल्स में कराया गया है, एक से लेके देखें यहीं से होगा, ठीक है, झारखंड के आदिवासी, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। 2 चैप्टर इसमें दिए थे, और एक से लेके, ठीक है, टोटल के टोटल 32 है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। कहाँ से गया? नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक, यहाँ संथाल से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? संथाल से शुरू हुआ है नंबर एक में। दूसरा नंबर पे हम लोगों ने उराव के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तीसरा पे हमारा मुंडा था जो कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थी, तो सब हम लोगों ने खत्म किया है, तो आप इसको देखिएगा, वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑलरेडी 1.5 घंटा।